लेट्स स्टार्ट विथ कुछ हम टेक्निकल इश्यूज डिस्कस करते हैं IS-16 के, IS-38 के और IS-36 के। नॉन करंट एसेट एंड इम्पेयरमेंट। इसको 40 भी आता है, लेकिन 40 इतना कोई खास प्रॉब्लमेटिक IAS नहीं है, इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं। प्रॉब्लमेटिक तो ये भी नहीं है, बट IS-16 में स्टूडेंट को यूजुअली जो है वो थोड़ा सा रीवैल्यूएशन में मसला होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट IS-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो IS-16 में जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, उसमें एक जो मेजर इश्यू है वो आपको दिमाग में रखना है, उसका रिकग्निशन का क्राइटेरिया। चाहे सेल्फ क्रिएटेड एसेट हो, टेंजिबल ना, सेल्फ क्रिएटेड एसेट हो या परचेज्ड एसेट हो, दोनों के ऊपर ये क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट होता है। एक बिल्डिंग है आप खुद बनवा रहे हैं, उस पर भी ये क्राइटेरिया अप्लाई होगा। एक बिल्डिंग आपने बनी बनाई परचेज कर ली, उसके ऊपर भी ये क्राइटेरिया अप्लाई होगा। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वो तमाम एसेट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ के लिए इस्तेमाल करती है, टेंजिबल इन नेचर होते हैं और उनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जिस पे कैलकुलेशन पे MCQs आ जाता है या उसकी कैलकुलेशन आपको सेक्शन बी में करनी होती है, कि जब आप एसेट को पहली मर्तबा रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन में मसाइल आ सकते हैं। तो जब आप एसेट को पहली मर्तबा रिकॉर्ड करते हैं तो इनिशियली उसे किस पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन जो है उसके अंदर आपको ये रूल पता होना चाहिए कि परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट लेते हैं, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस जो होती है हमारी, अच्छा जी। उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि अदर एक्सपेंडिचर हमें कौन से प्लस करना। अदर एक्सपेंडिचर इसके अंदर हम वो लेंगे जो कैपिटलाइज्ड होने वाले हैं। अब इसकी एक लंबी लिस्ट होती है कि इसके अंदर कौन कौन से एसेट्स लिए जाएं, कौन कौन से एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिन्हें जो है वो कैपिटलाइज्ड किया जाए। तो अब इसमें अगर ये याद कर लिया जाए कि कौन से ऐसे आइटम हैं जो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते, तो पेपर में शायद अफाका हो सकता है कि आप वो आइटम ना लें और बाकी आइटम जो है वो कैपिटलाइज कर लें। फॉर एग्जांपल सच एज, अगर आप जहन में रखें तो स्टार्टअप कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, ट्रेनिंग कॉस्ट, किसी भी किस्म की एडवर्टिजमेंट कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते। इसी तरीके से अगर एसेट खरीदते वक्त उसकी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी। इसी तरीके से कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी, लेकिन जो टेस्टिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज हो जाती है। और इसके अंदर एक कॉस्ट है अंडर IS-37, प्रोविजन बनाते हैं हम प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। वो एग्जामिनर टेस्ट कर लेता है कि आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट की पीवी निकालें और उसको उठाकर IS-16 की कॉस्ट में कैपिटलाइज करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसके ऊपर MCQ किया जाए, इसकी प्रैक्टिस की जाए और उसको याद किया जाए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद IS-16 में एक और हर्डल है और वो है, सबसे बड़ा जो मसला है वो है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो जब एक नॉन करेंट एसेट आपकी बैलेंस शीट में पहुंच गया तो सब्सिक्वेंटली आप उसे अपनी मर्जी से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप उसके लिए कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल करें या उसके लिए आप रीवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल करें। कंप्लीट लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा, IS-16 के 2 लेक्चर पड़े हुए वहाँ पर, आप डिटेल में उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन मॉडल अगर कोई ऑप्ट करता है, कॉस्ट मॉडल अगर कोई ऑप्ट करता है, तो ओरिजिनल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर इम्पेयरमेंट नहीं है तो सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करके
उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बुक किया जाएगा। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन को इस्तेमाल करता है तो फिर उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा माइनस एनी डेप्रिसिएशन। डिपेंड ये करता है कि रीवैल्यूएशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हुआ, रीवैल्यूएशन मिड ऑफ द ईयर हुआ, या रीवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ। इसका ख्याल रखना। इसमें जो सबसे टेक्निकल पार्ट है वो ये हो सकता है कि वो आपको रीवैल्यूएशन साल के बीच में दे दे। तो अक्सर क्या होता है कि रीवैल्यूएशन से पहले लाइफ अलग होती है, रीवैल्यूएशन के बाद लाइफ अलग हो जाती है, तो आपको डेप्रिसिएशन निकालने में प्रॉब्लम होगी। आप डेप्रिसिएशन उसका बुक करते वक्त एहतियात करेंगे कि यार डेप्रिसिएशन कैसे निकाला गया। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है, जब रीवैल्यूएशन होगा तो रीवैल्यूएशन में दो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, या तो उसका सरप्लस आएगा या फिर उसका डेफिसिट आएगा। अगर सरप्लस आएगा तो सरप्लस कहाँ जाएगा, डेफिसिट आएगा तो डेफिसिट कहाँ जाएगा? तो सरप्लस हम डालते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमेशा OCI में, और डेफिसिट हम लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि सरप्लस के बाद डेफिसिट आएगा तो क्या होगा, डेफिसिट के बाद सरप्लस आएगा तो क्या होगा, इसकी हमें ऑफसेटिंग करनी पड़ेगी। मसलन फॉर एग्जांपल, आपके पास एक रीवैल्यूएशन सरप्लस ब्रॉड फॉरवर्ड पड़ा हुआ है 1 जनवरी 2019 पर 60,000 का। ईयर एंड के ऊपर आपने इसको दोबारा रीवैल्यू किया, सही है? ईयर एंड के ऊपर रीवैल्यूएशन हुआ और रीवैल्यूएशन में डेफिसिट आया और वो डेफिसिट सरप्लस से एक्सीड कर गए 80,000 रुपये। तो अब इम्पैक्ट क्या होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस जो कि क्रेडिट में पड़ा हुआ है उसको उठाकर डेबिट करेंगे, 60,000 से एलिमिनेट करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 का डेफिसिट रिकॉर्ड करेंगे। तो ये ऑफसेटिंग पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ऑफसेटिंग होती है। इसी तरीके से अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस ब्रॉड फॉरवर्ड, लास्ट ईयर हमने एक डेफिसिट रिकॉर्ड किया था 50,000 का 2019 में, अब सब्सिक्वेंटली आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है 80,000 का 2020 में, तो उसमें 50,000 से तो डेफिसिट ऑफसेट होगा और 30,000 का सरप्लस रिकॉर्ड होगा, तो PNL को क्रेडिट करेंगे 30,000 से, सॉरी 50,000 से, और एडिशनल जो वैल्यू आएगी उसको OCI में डाल देंगे, OCI क्रेडिट कर देंगे 30,000 से। तो ये टोटल आपका 80,000 का सरप्लस जो आया उसका ब्रेकअप हो गया और ये ऑफसेटिंग हो गया। ये बात जहन में रखनी है कि जब सरप्लस की एंट्री पास की जाए तो ओरिजिनल पहले क्या हुआ था वो पता होना चाहिए। पहली मरतबा हुआ तो बहुत आसान है, सब्सिक्वेंटली हुआ तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा जी, टी अकाउंट बना लिया जाए तो और आसान हो जाता है। रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑलरेडी पड़ा हुआ है ब्रॉड फॉरवर्ड में 60,000, फर्दर रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, डेफिसिट आएगा तो डेबिट साइड पे चला जाएगा। मसलन 10,000 का डेफिसिट आया, रिमेनिंग इक्विटी साइड पे कितना पड़ा रहेगा? 50,000। सरप्लस का अकाउंट बनाकर भी काम किया जा सकता है, इसका ख्याल रखना। उसके बाद सरप्लस रियलाइजेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रियलाइजेशन ऑफ सरप्लस। सरप्लस को रियलाइज कब करेंगे? तो इसमें दो इश्यूज होते हैं, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमेशा से टफ होता है, इसमें बहुत मसाइल हैं। एग्जामिनर पूरी कोशिश करता है फाइनल अकाउंट में स्टूडेंट को घुमाने की, इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन पर एन। तो एक तो रियलाइजेशन होती है वन टाइम, बिल्कुल एंड में जाकर, और एक रियलाइजेशन होती है कि आप हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है सरप्लस का बुक करते जाएं रिटेन अर्निंग के अंदर। लेकिन रियलाइजेशन चाहे किसी भी तरीके से हो,
उसकी एंट्री ये पास होगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करेंगे और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करेंगे। कभी भी पीएनएल से एंट्री पास नहीं की जाएगी। इसका मतलब है इसमें ओसीआई पे इम्पैक्ट नहीं दिखाते, बल्कि रिटेन अर्निंग से रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस शीट में ऑफसेट कर देते। अब ये जो एक्सिस डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है, ये भी थोड़ा सा टेंशन वाला कॉन्सेप्ट है। जब तक सवाल में वो खुद ना बताए कि एक्सिस डेप्रिसिएशन वाला ट्रीटमेंट अडॉप्ट किया जा रहा है, आप ना करें ट्राई, ठीक है। एक्सिस डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन पर एनम बिफोर रिवैल्यूएशन क्या चार्ज कर रहे थे? तो रिवैल्यूएशन से पहले नॉर्मली लाइफ जो वैल्यू होती है वो कम होती है ना, तो फॉर एग्जांपल हम 50,000 का डेप्रिसिएशन पर एनम चार्ज कर रहे थे, और आजकल आफ्टर रिवैल्यूएशन हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं आफ्टर सरप्लस इज 75,000। तो डेप्रिसिएशन तो पीएनएल आइटम है, डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में जाएगा। पहले डेप्रिसिएशन 50,000 का पीएनएल में जाता था, अब डेप्रिसिएशन 75,000 का पीएनएल में जा रहा है, तो हम वो तो अपनी जगह रखेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम क्या करेंगे, एक एक्सिस डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, और एक्सिस डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल कर अब हमारे पास चॉइस है। मैनेजमेंट चाहे तो इतना अमाउंट विच इज़ इक्वल टू एक्सिस डेप्रिसिएशन, ये अमाउंट, तो मैनेजमेंट अगर चाहे तो इस अमाउंट से क्या कर सकती है, इस अमाउंट से सरप्लस को रियलाइज कर सकती है। मैनेजमेंट अगर चाहे तो इस अमाउंट से सरप्लस को रियलाइज कर सकती है, और अगर रियलाइज करेगी तो वह एंट्री पास करेगी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट बाय 25,000 और रिटेन अर्निंग क्रेडिट बाय 25,000। ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट समझ लें, इसको मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस किसी भी फॉर्म में कभी भी रियलाइज होगा, उसकी एडजस्टमेंट रिटेन अर्निंग से ही बनेगी, उसकी एडजस्टमेंट किसी और तरीके से पीएनएल के अंदर उसकी एडजस्टमेंट आप चार्ज नहीं कर सकते। तो ये एक हर्डल है जो कि आई एस 16 में नॉर्मली आता है, और आपको इस बात का ख्याल रखना। अब एक सवाल मैंने यहाँ पे कॉपी किया, वो किसी पास पेपर का MTQ है, इसको देख लेते हैं। इसमें आई एस 36 भी है, 16 की भी कोई एडजस्टमेंट है तो उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, एडजस्टमेंट के क्या दी हुई है एडजस्टमेंट? द फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 16-20। ए को हैज अ ईयर एंड ऑफ 31st December and operates a factory which makes computer chips for mobile phone. It purchases a machine on 1st July 2003. Year end is December mein, aur machine 1st July ko kharidi hai, yani ke 6 mahine pehle, which had a useful life of 10 years and is depreciated on straight line basis. Time apportionment in the year of acquisition and disposal. This is the policy, very important. कि अगर आप मशीन खरीदेंगे तो पार्शियल डेप्रिसिएशन, बेचेंगे तो पार्शियल डेप्रिसिएशन। मशीन रीवैल्यू होके 81,000 हो गई 1st July 2004 में, यानी कि 1st July 2003 को मशीन खरीदी, 1st July 2004 को वो रीवैल्यू हो गई आफ्टर 1 ईयर्स। देयर वाज नो चेंज इन द लाइफ, यानी कि रीवैल्यूएशन के बाद ओरिजिनल लाइफ से ही हम कैलकुलेशन करेंगे। अ फायर एट द फैक्ट्री ऑन 1st October डैमेज द मशीन, leaving it with a lower operating capacity. ये impairment का indicator है. The accountant considered that the company will need to recognize an impairment loss. The accountant has ascertained the following information on 1st October. The carrying amount of the machine is this one. Then equivalent new machine would cost 90,000. ये replacement cost आ गई. The machine could be sold at an amount of 45,000. उसके ऊपर dismantling cost लगेगी. In the current condition, the machine could operate for 3 more years, जिससे value in use आ रही है 38,685. ये है सवाल। अब इस सवाल में उसने आपको जो है वो asset खरीदने का बताया, फिर उसके depreciation का बताया, फिर उसकी revaluation का बताया, और उसके बाद उसने आपको impairment का indicator दिया। In accordance with IAS 16, property, plant and equipment, what is the depreciation charge in profit and loss for the machine for the year ended December 2004, यानी कि impairment होने से पहले और revaluation होने के बाद depreciation बताएं कितना charge होगा। तो सबसे पहले तो 31st December 2004 का मतलब है कि ये machine आपने acquire की थी 1st July 2003 पे। तो हम शुरू से चलते हैं, calculation करते हैं, depreciation निकालते हैं।
इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 80,000 की, इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 6 महीने का, 31 दिसंबर तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, तो इसका कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 1 जनवरी 2004 के ऊपर। ये निकाल के दें, 6 महीने का डेप्रिसिएशन, 80,000 को 10 से डिवाइड किया, 8,000, 8,000 पर एनम, तो आई थिंक 4,000 होगा। तो इसकी ब्रॉड फॉरवर्ड वैल्यू आ गई बिगिनिंग ऑफ द ईयर 76,000। तो 1 जुलाई 2003 से 31 दिसंबर 2003 तक हमने इसकी बुक वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब इसके ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन और माइनस करें, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन और माइनस किया फर्दर, तो हम पहुंच गए 6 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कहां पहुंच गए, 30 जून 2004 के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन तो वही रहेगा 4,000, और बुक वैल्यू कितनी आ गई 72,000, कैरिंग अमाउंट आ गया 72,000। तो सिर्फ डेट की वजह से कन्फ्यूजन है, अगर डेट 1 जनवरी से दिसंबर होती तो प्रॉब्लम नहीं था। तो हमने एसेट एक्वायर किया 1 जुलाई 2003 को, 1 जुलाई 2004 को रिवैल्यूएशन हो रही है, यहाँ तक हम ले आए इसको, और इसकी कैरिंग अमाउंट आ गई 72,000। अब इसका रिवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करेंगे, तो इसका रिवैल्यूड अमाउंट 1 जुलाई को कितना हो गया, इसका रिवैल्यूड अमाउंट हो गया 81,000। कितने का सरप्लस आया, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 9,000। ये सरप्लस आपने साइड में रख दिया, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका क्रिएट हो गया। हम किस पॉइंट पे खड़े हुए, हम खड़े हुए 30 जून 2004, यानी कि 1 जुलाई पे खड़े हुए, और हमसे वो कह रहा है कि ये बताएं 31 दिसंबर के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा। तब आधे साल का जो डेप्रिसिएशन है वो तो हम चार्ज कर चुके हैं, आधे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 4,000, आधे साल का डेप्रिसिएशन हमें रीवैल्यूड अमाउंट पे कैलकुलेट करना है विच इज 81,000। रिमेनिंग लाइफ कितनी रह चुकी है, तो हम 6 साल का डेप्रिसिएशन अब तक बुक कर चुके हैं, रिमेनिंग लाइफ रह गई 9 साल, 9 साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे और मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर देंगे। आंसर बोले 4500। कितना 4500? 4500। एक दफा जरा कैलकुलेशन मेरी जरा आप चेक कर लें, जो मैंने कैलकुलेशन की उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। अगर सही है कैलकुलेशन तो आंसर है हमारे पास, आंसर इज डी, ठीक है जी। जी सर ठीक है। 2 नंबर के लिए अच्छा सवाल है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप तैयार रहें इस तरह के सवाल में कि वो मिड में कभी आपको रिवैल्यूएशन पे लेके जाएगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल के उस डेट पे पहुंच जाएं और उसके बाद रिवैल्यूएशन करके निकाल सकते। अच्छा जी, अब इसके अंदर आगे इसने 17 जो है इम्पेयरमेंट का सवाल दिया, उसके बाद दूसरा सवाल भी इम्पेयरमेंट का है, तीसरा सवाल भी इम्पेयरमेंट का है, चौथा सवाल भी इम्पेयरमेंट का। तो ये रिवैल्यूएशन करवाने के बाद वो इम्पेयरमेंट पे चला गया, तो हम चलते हैं IS 36 के ऊपर, ताकि हम इसमें इम्पेयरमेंट की भी डिस्कशन कर लें और थोड़ा सा इम्पेयरमेंट का पार्ट भी हमारा कवर हो। इम्पेयरमेंट लॉस उस वक्त कैलकुलेट करते हैं जब आपके पास इंडिकेटर्स हो नॉर्मली, सही। इम्पेयरमेंट लॉस बाय डेफिनेशन होता क्या है, जब किसी भी एसेट का कैरिंग अमाउंट जो कि उसकी बैलेंस शीट वैल्यू होती है ज़्यादा हो जाए उसके रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट जो होता है वो अगर आपको नॉर्मली दिया हुआ होता है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का इसमें कोई काम नहीं है,
वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर वैल्यू इन यूज नहीं कैलकुलेट हो सकती तो ओनली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, अगर फेयर वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती ओनली वैल्यू इन यूज, सही है, कोई और तीसरी वैल्यू IS 36 अलाउ नहीं करता, सही है। फॉर एग्जाम्पल किसी एसेट का कैरिंग अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है 1 लाख, ये रिवैल्यूएशन मॉडल में भी हो सकता है, ये बात ध्यान में रखें, कॉस्ट मॉडल पे भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है, रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी होती है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अच्छा, उसकी वैल्यू इन यूज थी 1,40,000 और उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है फॉर एग्जाम्पल 80,000। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस। Is there any impairment loss? तो value in use ज़्यादा है तो अब impairment की ज़रूरत नहीं, क्योंकि carrying amount जो है वो कम है और value ज़्यादा है, तो impairment कब आएगी? जब carrying amount ज़्यादा होगा और recoverable amount कम होगा। तो हमारे केस में recoverable amount कितना है? RA हो गया 1,40,000, carrying amount कम है, recoverable amount ज़्यादा है, there is no impairment. तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग हम इस तरह से कर लेंगे। वैल्यू इन यूज निकालने के लिए अगर सवाल में दिया जाएगा तो क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस ये कैलकुलेट करेंगे उस एसेट रिमेनिंग लाइफ के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद जब हम इंपेयरमेंट की डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, वैल्यू इन यूज पे बात कर लेते हैं, तो हम कहते हैं के इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जो होती है वो बेस करती है किसके ऊपर? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग बेस करती है इंडिकेटर्स के ऊपर। हर साल ईयर एंड के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेटर असेस करती है। इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट इंटरनल भी हो सकते हैं, इसके आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ये थ्योरी में अक्सर MCQs में आ सकता है, इंटरनल इंडिकेटर्स जज करें, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स जज करें। इंटरनल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होते हैं, और एक्सटर्नल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से आपको लगता है कि आपका एसेट जो है वो इम्पेयर्ड हो चुका है या हो सकता है। मसलन फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द दिस इज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इट्स एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। अनदर एग्जांपल इज नेगेटिव चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, नेगेटिव चेंजेस इन इकोनॉमी, नेगेटिव चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, नेगेटिव चेंजेस इन लॉ, नेगेटिव चेंजेस इन मार्केट, सही है, मार्केट प्राइस का फॉल होना, मार्केट प्राइस ऑफ एसेट का गिरना। मसलन फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने एक जहाज़ ख़रीदा, एमरेट्स एयरलाइन ने एक जहाज़ ख़रीदा नया कोई ज़बरदस्त किस्म का, 2-3 करोड़ रुपए का। एक महीने बाद पता लगा उस जहाज़ के अंदर तो कोई प्रॉब्लम आ गया और इंटरनेशनल उसकी प्राइस गिर गई है, तो एमरेट्स को अपने जहाज़ का इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इंटरनल के अंदर एक कॉमन सी एग्जाम्पल है फिजिकल डैमेज ऑफ एसेट, जब कोई एसेट डैमेज हो जाता है तो उसकी टेस्टिंग कंपल्सरी हो जाती है। इसी तरह एसेट हेल्ड फॉर सेल IFRS 5, जब IFRS 5 में किसी भी एसेट को लेकर आते हैं तो उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कंपलसरी हो जाती है इंडिकेटर की मौजूदगी में। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसकी बेसिस पर हम ये जज करते हैं कि हमें रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं, उसको कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट से, और फिर डिसाइड करते हैं कि इम्पेयरमेंट होगी या नहीं होगी। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी हर साल कंपलसरी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है, चाहे इंडिकेटर्स हों या इंडिकेटर्स ना हों। उसके अंदर है गुडविल, उसके अंदर है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट वो इंटेंजिबल एसेट जिनकी इनफिनाइट लाइफ हो, वो और वो इंटेंजिबल एसेट्स जो कि बैलेंस शीट में तो पहुंच गए लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं हो रहे,
तो आपके सिलेबस में इसकी आइडियल एग्जांपल है डेफर्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तुमने IAS 38 में पढ़ा हुआ होगा कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कभी कभार कैपिटलाइज हो जाता है। तो अगर डेफर्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हुआ हुआ है और उससे प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हुई, तो इसका मतलब है उसकी अमोर्टाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो उसकी कंपलसरी हर साल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते रहनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही उसकी अमोर्टाइजेशन शुरू हो गई तो वो इस कैटेगरी से निकलकर इंडिकेटर्स वाली कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। तो ये स्पेसिफिक एसेट्स हैं जो हर साल ईयर एंड के ऊपर टेस्ट होंगे, और बाकी तमाम एसेट्स को देखकर देखना पड़ेगा कि हमें टेस्टिंग करनी है या हमें टेस्टिंग नहीं करनी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉर एग्जांपल आपने टेस्टिंग की और टेस्टिंग के रिजल्ट्स में इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, तो इम्पेयरमेंट लॉस हम कहाँ चार्ज करेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस इज टू बी चार्ज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनलेस, ये काम की चीज़ है, इट रिलेट्स टू एन एसेट दैट वॉज प्रीवियसली बीन रिवैल्यू हुआ था कोई एसेट। तो अगर IAS 16 में कोई एसेट पड़ा हुआ है, IAS 38 में कोई एसेट पड़ा हुआ है और वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो फिर PNL में जाने के बजाय इम्पेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस से ऑफसेट होगा। किससे ऑफसेट होगा? इम्पेयरमेंट लॉस आपका जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है उससे ऑफसेट होगा, यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन डेफिसिट बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर कोई फर्दर इम्पेयरमेंट लॉस बचेगा तो वो PNL में जाएगा, वरना इम्पेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन से कहाँ ऑफसेट होगा? इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ जा रहा होगा? इम्पेयरमेंट लॉस OCI में से माइनस हो रहा होगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस या तो PNL में जा रहा होगा एज एन एक्सपेंस, समटाइम्स आपको नज़र आ रहा होगा, और कभी आपको नज़र आ रहा होगा इम्पेयरमेंट लॉस OCI में जा रहा है। तो ये आपको तरीका बताया कि कब OCI में जाएगा और कब इम्पेयरमेंट लॉस जो होगा वो डायरेक्टली PNL में चला जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है F7 में, और वो है कैश जनरेटिंग यूनिट, CGU। क्योंकि सिंगल एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना नॉर्मली बहुत मुश्किल काम होता है, समटाइम्स इम्पॉसिबल भी होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं, और उस ग्रुप ऑफ एसेट को कहा जाता है CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट। इसकी डेफिनेशन आप देख लें नोट्स में से, स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जब ग्रुप ऑफ एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे तो ग्रुप का कैरिंग अमाउंट लेंगे और ग्रुप के रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। जितना भी एक्सेस आएगा, जितना भी लॉस आएगा, वो ग्रुप का लॉस होगा, किसी इंडिविजुअल एसेट का लॉस नहीं होगा। मसलन आपने 800 मिलियन का कैरिंग अमाउंट था एक CGU का, और आपने चेक किया उसका रिकवरेबल अमाउंट, तो 160 मिलियन की इम्पेयरमेंट आ गई CGU की। तब अब CGU अगर 160 मिलियन का इम्पेयर्ड हुआ तो CGU के अंदर तो एसेट्स भी होंगे, CGU के अंदर तो लाइबिलिटीज़ भी होंगी, CGU के अंदर तो गुडविल भी होगी, तो CGU पे किस पे चार्ज करें? तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ एलोकेशन। ऑर्डर ऑफ एलोकेशन आप अच्छी तरह से इसकी दो तीन एग्जांपल करें कि ऑर्डर ऑफ एलोकेशन क्या होता है। सो ऑर्डर ऑफ एलोकेशन में फर्स्ट अगेंस्ट गुडविल, गुडविल के अगेंस्ट चार्ज करें जितना भी चार्ज हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल। उसके बाद अदर एसेट्स पे चार्ज करें जो पॉसिबल होंगे, जो कि इम्पेयर्ड होंगे, जो इम्पेयर्ड नहीं हो सकते ना उस पे चार्ज नहीं कर सकते, प्रो रेटा बेसिस के, प्रोपोर्शनेट बेसिस के। याद रहे उन एसेट्स पे चार्ज करेंगे जिनको इम्पेयर्ड किया जा सकता है, जो इम्पेयर्ड हो ही नहीं सकते, या उनका कैरिंग अमाउंट कम है और रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, उस पर आप चार्ज नहीं कर सकते।
अच्छा स्टूडेंट बोलेगा सर ये तो थोड़ा सा क्राइटेरिया सही नहीं लग रहा कि पहले तो हम स्पेसिफिक एसेट पे करते थे, तो वो तो कॉमन सेंस है ना, फर्स्ट अगेंस्ट डैमेज एसेट। तो आईएएस ने उसको स्पेसिफाई गुडविल को ही किया हुआ है, तो अंडरस्टूड बात है कि अगर कोई एसेट इंडिविजुअली डैमेज हुआ हुआ है तो पहले आप उसको लेकर आएंगे, यानी कि पहला पॉइंट होगा डैमेज एसेट पे चार्ज करो, उसके बाद गुडविल पे चार्ज करो, और उसके बाद फिर अदर एसेट्स पे प्रोरेटा बेसिस पे उस वक्त तक चार्ज करते रहेंगे जब तक हमारा इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक उसको लेते रहेंगे। और एक एसेट मैक्सिमम जीरो पे जा सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, या अपने रिकवरेबल अमाउंट तक जा सकता है, उससे नीचे नहीं जा सकता। तो जब भी इम्पेयरमेंट चार्ज करें ये देख लें कि उसका रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है, तो उससे नीचे चार्ज नहीं कर सकते, मैक्सिमम उसके रिकवरेबल अमाउंट तक लेकर जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ये एग्जांपल, थोड़ा बहुत मैंने रिवॉल्यूशन आईएस 36 को डिस्कस करने की कोशिश की। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखें क्या कह रहे हैं। आईएस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट कंटेन्स अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल, इसकी एग्जांपल दी हुई है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट्स विच में इंडिकेट द इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट इंडिकेटर्स इन अकॉर्डिंग विद आई एस 36 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डेफिनेटली नॉट बी एन इंडिकेटर ऑफ द पोटेंशियल इम्पेयरमेंट ऑफ एन एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट। डेफिनेटली नॉट बी एन इंडिकेटर, कौन सा ऐसा है जो कि इंडिकेटर नहीं हो सकता? तो हम चार ऑप्शन दिए हुए, एन अनएक्सपेक्टेड फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ वन और मोर एसेट, adverse change in the economic performance of one or more asset, a significant change in the technological environment in which an asset is employed making its software effectively obsolete, the carrying amount of an asset net asset being below the entity's market capitalization। kaun sa aisa hai jo ke definite indicator, सारे ही लग रहे हैं, चारों चारों ही है, मुझसे कोई पूछेगा इम्पेयरमेंट है तो मैं कहूँगा चारों ही लग रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा है जो डेफिनेट है और कौन सा ऐसा है जो डेफिनेट नहीं है? अगर मार्केट वैल्यू गिरेगी तो डेफिनेट है, एडवर्स चेंजेस आएंगी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में तो ये भी है, सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, सही है, जिससे सॉफ्टवेयर अफेक्टिवली ऑब्सोलीट हो जाएगा तो ये भी एडवर्स चेंजेस हैं, carrying amount of an entity's net assets below the entity's market capitalization। तो market capitalization क्या होती है? Market capitalization होती है आपके shares की current market worth, कैसे निकालते हैं? Number of shares multiply by share price, company की value होती है, value of company। तो value of company जो है वो ज़्यादा है और carrying amount जो है वो below हो गई है, कैरिंग अमाउंट कम है और वैल्यू ऑफ द कंपनी ज़्यादा है, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कोई इंडिकेटर हो, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होती है तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना वो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट से नीचे चली जाती है, यानी कि आपकी शेयर्स वैल्यूएशन पार वैल्यू से भी नीचे चली जाती है, तो फिर वो एक इंडिकेटर बनेगा। तो इसके अंदर अफेक्टिव जो है जो नहीं हो सकते, तीन कन्फर्म है, ए कन्फर्म है, बी कन्फर्म है, सी कन्फर्म है, डी के बारे में हमें डाउट है, डी नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं हो सकता। आगे बढ़े, व्हाट इज द इम्पेयरमेंट लॉस ऑन 1st October 2006। अब एक बार जहन में रखें, अगर सवाल में रिवैल्यूएशन ऑलरेडी दिया हुआ था तो इम्पेयरमेंट निकालना थोड़ा सा टफ हो सकता है। 1st October 2006 को उसने कैरिंग अमाउंट बताया था मशीन का, निकाल के दिया हुआ है, या हमें खुद भी निकालना पड़ सकता है, उसने न्यू मशीन की इक्विवेलेंट कॉस्ट दी थी, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये क्यों दी है इसने, ये तो बेकार है, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए, हटा दें इसको। मशीन 45,000 की बिक सकती है, 45,000 की डिसमेंटलिंग कॉस्ट लगेगी 2,000, 43,000 इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी, और अगर इसकी वैल्यू इन यूज़ निकाली जाए तो वो 38,685 आ रही है। तो हमने कहा कैरिंग अमाउंट आ गया 60750, वैल्यू इन यूज आ गई 38,685, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट आ गई 45 - 2, 43,000। इज देयर एनी इम्पेयरमेंट? तो रिकवरेबल अमाउंट आ गया
43,000। कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कर लें और दोनों का डिफरेंस निकाल लें। कैरिंग अमाउंट है 60750, रिकवरेबल अमाउंट है 43,000, एक्सेस कितना आया 10,750 और 7,750 17750। ईजी, खुद बना के उसने सवाल दिया हुआ, सिर्फ पिक करना है कि कितना अमाउंट ज़्यादा है कितना अमाउंट कम है। तो ये इम्पेयरमेंट आ गई हमारी। अगले पॉइंट में कह रहा है द अकाउंटेंट हैज़ डिसाइडेड दैट दिस इज टू डिफिकल्ट टू रिलायबली एट्रीब्यूट कैश फ्लोज टू द वन मशीन एंड दैट इट वुड बी मोर एक्यूरेट टू कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्री एज अ कैश जनरेटिंग यूनिट। In accordance with IS 36, which of the following is true regarding cash generating unit? A cash generating unit to which goodwill has been allocated should be tested for impairment every 5 years. Kya goodwill ko har 5 saal mein impairment ke liye test karna chahiye? IS mein to aisa nahi likha hua. Wrong option. A cash generating unit must be a subsidiary of the parent. Not necessary. Do asset bhi ho sakte hain. Subsidiary zaruri nahi hai. सब्सिडरी भी हो सकती है लेकिन मस्ट भी नहीं हो सकती। देर इज नो नीड टू कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाई कैश जनरेटिंग यूनिट बेस्ड ऑन द सेम टाइप ऑफ एसेट फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। अ कैश जनरेटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट फॉर विच इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज कैन बी आइडेंटिफाइड। ये कैश जनरेटिंग यूनिट की डेफिनेशन है। तो देर इज नो नीड टू कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाई कैश जनरेटिंग यूनिट बेस्ड ऑन द सेम टाइप ऑफ एसेट फ्रॉम, तो ये जरूरी, ये तो गलत हो गया। यस देर इज़ अ नीड कि आप कैश जनरेटिंग यूनिट आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब इसके अंदर क्या है, सॉरी क्रॉस मैंने गलत लगा दिया। तो सही पूछा उसने, पहला ऑप्शन जो है आपका वो गलत है या सही है 5 साल में, तो हमने कहा फॉल्स। दूसरा ऑप्शन हमने कहा फॉल्स। तीसरा ऑप्शन सही है, हमने कहा फॉल्स। चौथा ऑप्शन, अ कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होना चाहिए, इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट फॉर विच कैश फ्लोज कैन बी आइडेंटिफाइड, तो हमने कहा ट्रू। ये CGU की उसने डेफिनेशन पूछनी है। उसके बाद एक और कैलकुलेशन आ गई, यानी कि दो थ्योरी के सवाल, दो कैलकुलेशन के सवाल। ऑन 1 July 2007 It is discovered that the damage to the machine is worse than originally thought and machine is now considered to be worthless, zero, and the recoverable amount of the factory is estimated to be 9,50,000. At 1st July, the cash generating unit comprises the following asset. Factory ka as a whole recoverable amount kitna hai? Factory ka 9,50,000. फैक्ट्री के अंदर ये सारे एसेट्स हैं, फैक्ट्री में बिल्डिंग भी है, प्लांट एंड मशीन इक्विपमेंट भी है, और इसके अंदर डैमेज मशीन भी शामिल है जिसका कैरिंग अमाउंट 35,000 था। गुडविल भी है, नेट करंट एसेट्स भी हैं एट रिकवरेबल अमाउंट। नेट करंट एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, सही है। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ध्यान ये रखना है क्या ये इम्पेयर्ड होते हैं। In accordance with IS 36, what will be the carrying amount when the impairment loss has been allocated to the cash generating unit? Plant के ऊपर impairment loss minus करने के बाद ये बताना है कि उसका carrying amount क्या बचेगा। तो सबसे पहले तो हमने carrying amount लिया cash generating unit का, और carrying amount आ गया आपका 1,170,000। तो carrying amount ज़्यादा है और recoverable amount कम है, तो हमारे पास एक इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। कितना इम्पेयरमेंट लॉस आया, तीन जीरो काट दें, 220 का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। अब इसको एलोकेट करना है, कौन सा ऑर्डर बताया था हमने, ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ये होगा कि पहले हम डैमेज एसेट के अगेंस्ट चार्ज करेंगे, उसके बाद जो है वो गुडविल के अगेंस्ट चार्ज करेंगे, और उसके बाद प्रोरेटा बेसिस के ऊपर उन एसेट्स पे चार्ज करेंगे जो इम्पेयर्ड हो सकते हैं। तो क्या हमारे पास कोई स्पेसिफिक डैमेज एसेट है, ये रहा
मशीन, तो हम पहले किस पे चार्ज करेंगे, पहले हम मशीन पे चार्ज करेंगे, उसके बाद किस पे चार्ज करेंगे, उसके बाद गुडविल पे चार्ज करेंगे, उसके बाद किस पे चार्ज करेंगे, उसके बाद अदर एसेट्स पे चार्ज करेंगे। क्या हमारे तमाम अदर एसेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, क्या वो इम्पेयर्ड हो सकते हैं? बिल्डिंग इम्पेयर्ड हो सकती, प्लांट तो ऑलरेडी इम्पेयर्ड हुआ हुआ है, और गुडविल इम्पेयर्ड हो सकती है, ये इम्पेयर्ड हो सकते हैं नेट करंट एसेट? क्या नेट करंट एसेट इम्पेयर्ड हो सकते हैं? No. क्या करंट एसेट में इम्पेयरमेंट चार्ज होती है? तो इन्वेंट्री पे चार्ज होती है, यस चार्ज होती है। रिसीवेबल्स पे चार्ज होती है, यस चार्ज होती है। तो जब तक स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि इसके अंदर क्या है, तो इसका मतलब है चार्ज हो सकती है। लेकिन जैसे कैश है, कैश पे चार्ज नहीं हो सकती, प्रीपेमेंट्स होगा उस पर चार्ज नहीं हो सकती। तो यहाँ नेट करंट एसेट का मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज पे तो नहीं चार्ज होती, सही है। लेकिन ये किसके ऊपर आया हुआ है, ये बात ध्यान में, ये किसके ऊपर आया, ये इसकी रिकवरेबल अमाउंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इम्पेयरमेंट चार्ज की जाएगी 250 से नीचे नेट करंट एसेट्स तो नहीं जा सकते, ये तो ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट पे दिए हुए, तो क्या ये नीचे जा सकते हैं? तो ये इससे नीचे नहीं जा सकते, ये ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर। अगर मैं इसमें चार्ज करूँगा तो और रिड्यूस हो जाएगा। तो नेट करंट एसेट ऑल्दो चार्ज किया जा सकता है, लेकिन उसने ब्लॉक कर दिया कि इस पर चार्ज मत करो। तो मशीन पे कितना चार्ज करें? मशीन की जो वर्थ है वो कैरिंग अमाउंट पड़ा हुआ है 35,000 का, और उसका रिकवरेबल अमाउंट जो है वो वर्थलेस हो चुका है, जीरो हो चुकी है। तो मशीन बुक्स में रखी हुई है 35,000 की, तो मशीन पे से 35,000 हटा दें। मशीन 35,000 से गए, इसका एक टेबल बनता है, वो टेबल हम बना लेते हैं। कैरिंग अमाउंट, इम्पेयरमेंट, और उसके बाद इसका कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट। तो सबसे पहले आ गई हमारी बिल्डिंग, उसके बाद आ गए प्लांट, उसके बाद आ गई गुडविल, और उसके बाद आ गए हमारे नेट एसेट्स। सो 35,000 हमने प्लांट लिया 335 का, उसमें से 35,000 तो ये माइनस हो गया। उसके बाद गुडविल पे आ जाए, गुडविल कितनी जाएगी पूरी 85, तो गुडविल 85 की थी, गुडविल 85 करके ये जीरो। बाकी लॉस कितना बचा, 85 प्लस 35 120, 220 में से माइनस करें तो अदर एसेट्स पे कितना चार्ज होना चाहिए, 1,00,000, सही है। तो अदर एसेट्स में ये बताएं किस पे चार्ज करें, नेट एसेट्स पे तो मना कर दिया उसने, ये तो ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट पे है। तो यहाँ आ गए प्लांट पर, ऑलरेडी हम चार्ज कर चुके हैं जो प्लांट है, लेकिन जो बाकी प्लांट है उसके बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बिल्डिंग भी दी हुई है, तो क्या बाकी प्लांट पे चार्ज करें या सिर्फ बिल्डिंग पे चार्ज करें? क्या ख्याल है, बाकी प्लांट पे चार्ज करें या सिर्फ बिल्डिंग पे चार्ज करें? सोच के बताएं। बस बिल्डिंग पे, बिल्डिंग पे चार्ज करें, बाकी प्लांट पे क्यों ना चार्ज करें? सर सबसे पहले नहीं करेंगे क्योंकि डैमेज एसेट है? नहीं, डैमेज एसेट तो एक नहीं है ना, डैमेज एसेट तो एक नहीं है, इसमें तो बहुत सारे एसेट्स पड़ेंगे। प्लांट एक है, एक से ज्यादा है? सर एक ही है। एक ही है? नहीं भाई, इंक्लूडिंग डैमेज एसेट, इंक्लूडिंग द डैमेज एसेट लिखा हुआ है ना। तो सर सर 335 से 35 माइनस कर देंगे जो बाकी है, वो उसको बिल्डिंग के साथ अदर एसेट में आ जाएगा। अच्छा, अगर सिर्फ बिल्डिंग पे चार्ज करते हैं तो आंसर बनेगा? कितना चार्ज करेंगे बिल्डिंग के ऊपर? 100 चार्ज करेंगे, तो हमारे पास प्लांट की वैल्यू बनती है इस वक्त कितनी दी हुई है, 335 माइनस 35 300 है आंसर दिया भाई है।
अच्छा, अगर अगर इसको दोनों पे चार्ज कर दें, 100 को प्रोरेटा कर दें, प्रोरेटा बिल्डिंग पे कितना चार्ज होगा, प्रोरेटा प्लांट पे कितना चार्ज होगा, हो सकता वो भी आंसर दिया है। चेक कर लेंगे तो। मिलता है आंसर? ये देखो, आपके पास बिल्डिंग की वैल्यू बच रही है 500, प्लांट की आफ्टर इम्पेयरमेंट वैल्यू बच रही है 335 में से 35 गया कितना, 300। नेट एसेट पे चार्ज नहीं कर सकते तो ये हो गई 800। अब इम्पेयरमेंट लॉस बचा 100 का ना, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 800, 100 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 800। तो अगर हम चार्ज करें प्लांट के ऊपर और बिल्डिंग के ऊपर तो कितना अमाउंट बनेगा? सिक्सटी इसका 62.5 बिल्डिंग, 62.5 प्लांट, 37.5। 37.5 ठीक है, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये अजम्पशन लेता हूँ कि बिल्डिंग में से माइनस करना है, मुझसे सवाल में से प्लांट का पूछा, तो प्लांट में 335 माइनस 35, 300 तो वैसे ही हो गया, और 300 में से अगर 37.5 माइनस करें तो आंसर बनता है 262.5। ये भी आंसर है और ये भी आंसर दिया है, दोनों आंसर इसके अंदर। अब बताएं क्या करें? करेंगे। देखिए मैं आपको दोनों कैलकुलेशन क्यों करवा रहा हूँ, चेक की मैंने दोनों कैलकुलेशन, एक सेकंड देखिए, ये देखें क्या लिखा हुआ है। इंक्लूडिंग तो ये प्लान एंड इक्विपमेंट जो बाकी हैं क्या वो इम्पेयर नहीं हो सकते, क्या उनपे प्रोरेटा चार्ज नहीं होगा? होगा होगा ना, ऑब्वियसली होना चाहिए। हाँ कुछ सवालों में वो ये कह देता है कि बाकी प्लान एंड इक्विपमेंट जो ना वो इम्पेयर नहीं हो रहे, तो फिर हम चार्ज नहीं करेंगे। तो इन दैट केस क्या चार्ज करना चाहिए हमें? हमें चार्ज करना चाहिए यहाँ 35 प्लस 37.5, यहाँ चार्ज करना चाहिए 62.5, और 500 में से 62.5 माइनस करें, 437.5। ये जीरो हो गया, ये 250 हो गया, 335 में से ये दोनों मिला के माइनस करें 262.5। सही है, इसको प्लस करें, तीनों कॉलम को प्लस करें, कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, और ये इम्पेयरमेंट वाले कॉलम को प्लस करें, 950। ये मैच करना जरूरी है ना, 950 950 कैरिंग अमाउंट और इम्पेयरमेंट लॉस 2 लाख का पूरा हमने चार्ज। सही है, तो अगर किसी सवाल के अंदर ऐसा ना हो रहा हो तो उसकी एक निशानी बता रहा हूँ मैं आपको। अगर किसी सवाल में उसने प्लांट में नहीं चार्ज किया तो वो ये अजम्पशन ले रहा होगा पीछे
या लिखा होगा सवाल में कि बाकी प्लांट जो है ना वो डैमेज नहीं है, सही है। ओके चले जी, ये जी थोड़ा सा एक हमने आइडिया बिल्ड कर लिया किसका, IS-16 का और 36 का। बाकी आप डिटेल में टॉपिक पढ़ें और डेफिशिएंसी अपनी ओवरकम करने की कोशिश करें। अच्छा, एक हल्का सा रिव्यू में दे रहा हूँ IS-38 का, और उसके बाद फिर हम मूव करते हैं अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हमारे 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी। 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आर ना, 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैंने अब तक बताए, ये 6 के 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड F7 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। कुछ हैं जो मैं आखिरी दिन करवाऊंगा, जैसे IS-37 है, प्रोविजन हैं आपका, IFRS-15 है, रेवेन्यू रिकग्निशन है, IFRS-5 है, एसेट हेल्ड फॉर सेल। लेकिन जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में माइनर सी कॉम्प्लिकेशन होगी तो मैं वो कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करके उसका MCQ करवा के आगे बढ़ जाऊंगा, और जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मुझे लगता है ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहिए, जैसे IFRS-15 रेवेन्यू, उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके कर लेंगे। जैसे हमने कल IFRS-9 किया, IS-12 किया। अच्छा, IS-38 में ज़्यादा मसले नहीं है। IS-38 में जो मसले हैं वो हैं परचेज्ड एसेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और इंटरनली जनरेटेड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। खास तौर पर यहाँ पर जो आपको ख्याल रखना है वो रखना है किस चीज़ का, जो आपके लिए एक रेलेवेंट टॉपिक हो सकता है, एग्जामिनर आपको तंग कर सकता है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ये है इम्पोर्टेंट एलिमेंट। तो मैं इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन और कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल पर नहीं जा रहा, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च अगर एक कंपनी करती है तो रिसर्च कॉस्ट क्या कभी कैपिटलाइज हो सकती, आंसर बताएं। क्या रिसर्च कॉस्ट कभी कैपिटलाइज हो सकती, बोलें यस और नो। नो सर। यस, इंडिविजुअल कंपनी में तो कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन एक सिचुएशन है एक ऐसी जहां पे रिसर्च कॉस्ट आपको कैपिटलाइज होती हुई नजर आती है, वो है कंसोलिडेशन। अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं और आप एक सब्सिडरी को खरीदें और उस सब्सिडरी को खरीदते वक्त उसके पास नेट एसेट्स दिए हुए हों और ये बताया हुआ हो कि उसके पास एक रिसर्च प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, 1 लाख का एक्सपेंस हो चुका है, तो वो एक्सपेंस अब कंसोलिडेशन के लिए कैपिटलाइज हो जाएगा। सब्सिडरी अपनी बुक्स में उस रिसर्च को एक्सपेंस ही डालेगा, लेकिन कंसोलिडेशन पर्पज के लिए, गुडविल आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी रिसर्च कॉस्ट को भी एसेट ट्रीट किया जाएगा। ये पॉइंट जरा नोट करिए, कभी नहीं आया F7 पर कि आपको नेट एसेट्स दिए हुए और उसके अंदर रिसर्च दी हुई हो, ब्रांड नेम दिया हुआ हो, इंटरनली जनरेटेड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हुआ हुआ, अगर क्राइटेरिया मीट, रिसर्च में तो देखते भी नहीं क्राइटेरिया मीट होगा क्योंकि रिसर्च तो वैसे ही एक्सपेंस होता है, क्राइटेरिया की जरूरत ही नहीं होती। तो इंडिविजुअल कंपनी में रिसर्च हमेशा कहाँ जाएगा, एक्सपेंस में चला जाएगा। इंडिविजुअल कंपनी में डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर जो भी किए जाएंगे किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के दो पॉसिबल अकाउंटिंग के, या तो वो PNL में एक्सपेंस आउट हो जाएगा या बैलेंस शीट में उसे कैपिटलाइज कर लेंगे। इसकी आप कंडीशंस याद रखें, थ्योरी में कंडीशंस भी आ सकती हैं और इसका कैलकुलेशन पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। IS-16-38 का मिलाकर 10 नंबर का सवाल, IS-38, 36 और 36, 16, 38 और 36 10 नंबर का सवाल। तो कैपिटलाइज उस सूरत में करते हैं जब आपको इस बात की सर्टेनिटी होती है कि इसकी फिजिबिलिटी है, इंटेंशन है, एबिलिटी है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है, तो उसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। और ये जब बैलेंस शीट में जाएगा तो सब्जेक्ट टू अमोर्टाइजेशन होगी। इसकी अमोर्टाइजेशन कब से शुरू करेंगे, जब उससे कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। मसलन किसी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली और उसकी वैक्सीन बनाने में जो R&D पे पैसा खर्च हुआ उसमें रिसर्च का पैसा एक्सपेंस में डाल दिया,
और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का पैसा उठा के कैपिटलाइज कर लिए। लेकिन अभी वैक्सीन बनना शुरू नहीं हुई, मेडिसिन नहीं बनना शुरू हुई, वैक्सीन का सिर्फ फॉर्मूला तैयार हुआ है, तो वो उसको अमोर्टाइजेशन स्टार्ट उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक उससे कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू ना हो जाए। और वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो क्राइटेरिया मीट होने से पहले वाले हैं वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकते, वो हमेशा कहाँ जाएंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो इसकी जो एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट में, आप गेट रेडी, फाइनल अकाउंट में इसकी एक अच्छी एडजस्टमेंट आ सकती है। IAS 16 की एक अच्छी एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में आती है, लीजिंग की अच्छी एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में आती है। तो फाइनल अकाउंट के लिए ये स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें 5 या 6 फुल कंप्लीट फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएं तो अंदाजा हो जाएगा कि एडजस्टमेंट कैसे पूछी जा रही है और एग्जाम में वो हो सकती है या नहीं हो सकती। अदर देन दैट IAS 38 में इतना मसला नहीं है। हाँ IAS 38 सर डेवलपमेंट जी बोलिए, कैरी ऑन। सर डेवलपमेंट में जब हम कोई प्लांट यूज करते हैं तो उसकी उसकी जो डेप्रिसिएशन है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट ये होता है कि डेप्रिसिएशन नॉर्मली एक्सपेंस आउट होता है, लेकिन समटाइम्स डेप्रिसिएशन अदर एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाता है। तो अगर आप कोई ऐसा प्लांट यूज कर रहे हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन में किसी और एसेट के लिए, तो उस डेप्रिसिएशन उस एसेट का उस दूसरे एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होना चाहिए। एक एसेट दूसरे एसेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो जो पहला एसेट है उसका डेप्रिसिएशन दूसरे एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। लेकिन अगर रिसर्च इन डेवलपमेंट प्रोसेस में, रिसर्च इन डेवलपमेंट प्रोसेस में कोई मशीन इस्तेमाल हो रही है तो वो मशीन तो टेंजिबल एसेट है, वो मशीन अल्टीमेटली आपकी IAS 16 में बैलेंस शीट में सेपरेटली रिकॉर्ड हो रही है। वो उस मशीन को उठाकर हम डेवलपमेंट में नहीं डालेंगे, लेकिन उस मशीन का जो आउटकम है अगर वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए ज़रूरी है और वो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन जो है वो डेवलपमेंट कॉस्ट में कैपिटलाइज होना। क्लियर? ओके चलिए लेट्स मूव अनदर डिस्कशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे सिलेबस में एक सब्सिडरी, इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट मतलब है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूरा, एक बैलेंस शीट, ये हमारे सिलेबस में ठीक है। वन सब्सिडरी, दो सब्सिडरी नहीं आएंगी, सब सब्सिडरी नहीं आएगी, वन सब्सिडरी, वन एसोसिएट। और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है कुछ टाइम से, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, कि अगर आपने सब्सिडरी बेच दी तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया। ये MCQs में चांसेस हैं कि एक MCQs बन के आ जाए कि जी एक सब्सिडरी बेच दी उसको गेन और लॉस निकाल के दें, और किसी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी बन सकता है। अच्छा IFRS जो 5 है वो है हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, और सब्सिडरी को बेचना IFRS 5 में आ सकता है। तो IFRS 5 भी एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है कि अगर एक पूरा डिवीजन बेच दिया, पूरी सब्सिडरी बेच दी, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसका इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, दो दो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, सो एंड सो ऑन। अच्छा जी अब देखें ग्रुप अकाउंटिंग में, पहले तो हम बात करते हैं ग्रुप अकाउंटिंग में आपकी कॉन्सोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट फंसते हैं। देखें बहुत बड़ा टॉपिक है कॉन्सोलिडेशन का, जितनी प्रैक्टिस करें कम, एग्जामिनर हर सवाल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू डाल सकता है। तो 100% सवाल सही हो ना हो कोई मसला नहीं, कितना परसेंट होना चाहिए, 70 to 80% जो है ना सवाल सही होना चाहिए अगर 20 नंबर का आ गए, और अगर MCQs आते हैं तो MCQs तो ऑब्वियसली सही होने चाहिए। एग्जामिनर की जो प्रैक्टिस है ना वो रेशियो प्लस कंसोलिडेशन पे
आवाज आ रही है मेरी? एग्जामिनर जी आ रही है। जो है वो रेशियो प्लस कंसोलिडेशन को भी मिक्स करके सवाल अक्सर बना देते हैं। एग्जामिनर की प्रैक्टिस है कि वो रेशियो प्लस कंसोलिडेशन पे भी जा सकते हैं और चाहे तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आ सकता है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट का पूरा 20 नंबर का सवाल आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। अगर वो इनकम स्टेटमेंट पूछता है तो साथ गुडविल भी पूछता है, साथ एसोसिएट भी पूछ लेता है, सो मिक्स ऑफ चीज़ें पूछ सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट में जो पहला मसला है जो आपको समझना होता है वो होता है मिड ईयर एक्विजिशन। मिड ईयर एक्विजिशन को आपको समझना होता है। मिड ईयर एक्विजिशन अगर आ गया तो मिड ईयर एक्विजिशन का क्या ट्रीटमेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त इंट्रा ग्रुप सेल्स जो हुई हैं पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान उसको कैसे एडजस्ट करना। उसके बाद आपको देखना होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक मसला देखना होता है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की। अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दी उसने तो उस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की डेप्रिसिएशन पीएनएल को हिट करेगी, वो आपको देखना होगा। गुडविल इम्पेयरमेंट आपको देखनी पड़ेगी, वो तो नहीं है सवाल में, वो कहाँ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ है जो कि बहुत इनफ्रीक्वेंट आती है, वो है नेगेटिव गुडविल। अगर नेगेटिव गुडविल आ गई तो वो कहाँ एडजस्ट करेंगे। इंट्रा ग्रुप डिविडेंड, सब्सिडरी से मिलने वाला डिविडेंड, कैंसिलिंग आइटम होता है, वो देखेंगे। इंट्रा ग्रुप फाइनेंस कॉस्ट, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट, उसको टैकल करेंगे। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, ये कब कैलकुलेट होता है अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, ये होता है जब आपके पास डेफर्ड कंसिडरेशन आ रही होती। यार ये पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, एक इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर ऑफ नॉन करंट एसेट, ये भी आप दिमाग में रखें। पीपीई का इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर हुआ, इसको कैसे टैकल किया जाएगा। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम एसोसिएट कैसे निकाली जाएगी, उसको कहाँ पर शो किया जाएगा। इम्पेयरमेंट इन एसोसिएट को कैसे टैकल किया जाएगा। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग विद एसोसिएट या ट्रेडिंग विद एसोसिएट, इसको कैसे टैकल किया जाएगा। एंड एट द लास्ट, बल्कि सेकेंड लास्ट, रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर आया हो या रीवैल्यूएशन डेफिसिट आया हो उसको कैसे टैकल किया जाएगा। एंड एट द लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाएगा पीएनएल में और ओसीएल में। अब आप इनकम स्टेटमेंट का जब भी सवाल करें तो अपनी एक एक स्टेप्स की पोजीशन क्लियर करते हुए जाएंगे। जी मुझे पता है कि इम्पेयरमेंट कहाँ जाती है, मुझे पता है इंट्रा ग्रुप डिविडेंड क्या होता है, क्या मैंने कोई सवाल किया जिसके अंदर इंट्रा ग्रुप डिविडेंड आया था, नहीं किया तो ढूंढे कोई सवाल, क्या मैंने अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट वाला कोई सवाल अब तक देखा है, क्या मैंने इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर ऑफ पीपी वाला कोई पार्ट एग्जाम्पल सही की एक बुक में एग्जाम्पल चेक कर लें, इनकम फ्रॉम एसोसिएट्स सो एंड सो। ये किसी भी इनकम स्टेटमेंट में कंबाइन मसले आ सकते हैं, इनको टैकल करते जाएं और आप साइड बाय साइड आराम से इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये कि फुल फ्लेज इनकम स्टेटमेंट का सवाल मिलना ये तो बहुत मुश्किल काम है कि आपको एग्जामिनर जो है ना एक कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट का सवाल दे। ज़्यादातर एग्जामिनर आपको एक अदद बैलेंस शीट का सवाल देता है और उसके साथ पार्ट सवाल ऐसा बनाता है जो इनकम स्टेटमेंट का होता है, तो इसलिए पूरा इनकम स्टेटमेंट मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट के साथ गुडविल मिल जाएगी, एसोसिएट मिल जाएगा, तो उसको मिक्स करके हम जो है एक सवाल उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो अब गुडविल की कैलकुलेशन के लिए चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो मैं पहले एक सवाल पे चलता हूँ, एक
और उसमें हम थोड़ा बहुत गुडविल का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, और थोड़ा बहुत एक बेसिक इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि हम बना पाते हैं या नहीं बना पाते। और फिर दो तीन सवाल ऐसे हैं जो आपके पास पेपर में इनकम स्टेटमेंट के बहुत खतरनाक किस्म के सवाल आए, तो आई वुड रेकमेंड के आप वो भी करें, अगर हम डिस्कस ना कर सकें तो उनको लाजमी प्रैक्टिस करके जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल सी दिस क्वेश्चन, ये एक सवाल है 15 मार्क्स का। सवाल की रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। सवाल की जो पहली रिक्वायरमेंट है उसमें आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है एक्विजिशन को, इसको फिलहाल मैं बाईपास करता हूँ। एक्सट्रैक्ट बनाना है कॉन्सोलिडेटेड पीएनएल का 31 मार्च 2015, इसमें आपको रेवेन्यू चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, फाइनेंस कॉस्ट चाहिए, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई चाहिए। इसके हिसाब से हम सवाल पढ़ते हैं। 31 मार्च 2015 का मतलब होगा, बिगनिंग क्या होगा 31 मार्च 2015 का, 1 अप्रैल 2014, सही। लेकिन कंपनी को एक्वायर कब किया गया, 1 जुलाई 2014, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितने महीने हुए, क्या फर्क पड़ता है मिड ईयर एक्विजिशन में, एनी आइडिया सर? सब्सिडरी की सारी वैल्यू 9 मंथ्स पे चली जाएगी। सब्सिडरी की हर वैल्यू 9/12 होगी, हर वैल्यू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी। तो पहले तो सबसे पहले ये चीज क्लियर करके आप चलें कि सब्सिडरी मिड ईयर एक्विजिशन में आ रही है। बी एक्वायर्ड 80% शेयर्स, तो इसका मतलब है एनसीआई 20 पे चला गया। एक्विजिशन वाला पॉइंट काफ़ी टेक्निकल है, शेयर एक्सचेंज आपको पता होना चाहिए, हम गुडविल कैलकुलेट करते हुए देखेंगे। शेयर एक्सचेंज हुआ, उसके बाद कैश पेमेंट की आपने इतनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। जब आप किसी को डेफर्ड कंसिड्रेशन करते हैं तो डेफर्ड कंसिड्रेशन की पीवी निकालनी होती, तो आपने कहा कि हम आपको डेफर्ड कंसिड्रेशन दे रहे हैं। अच्छा, मैं इस सवाल में थोड़ी सी गुडविल वाली कैलकुलेशन की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी निकाल लेते, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी वर्किंग कर लेते हैं साथ साथ। तो सब्सिडरी के हमने 80% शेयर्स एक्वायर किए, सब्सिडरी की इक्विटी है कितनी, सब्सिडरी के पास 12,000 शेयर हैं। शेयर्स ऑफ सब्सिडरी 12,000, सही है। हमने एक्वायर कितने किए, 12,000 का 80% कितना हो गया, 9600, सही। मेरी कैलकुलेशन जरा चेक कर दीजिए, ये 9600 हमने कैसे एक्वायर किए, शेयर एक्सचेंज में टर्म्स पता होनी चाहिए। उसके 3 शेयर्स लेकर हमने अपने 2 शेयर्स इशू किए, तो 9600 शेयर्स के हक में हमने 3 के अगेंस्ट अपने 2 शेयर्स इशू किए, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हो गए, 6400 नंबर ऑफ ये इशू कर दिए हमने, ठीक है। तो इस इशूड की वैल्यू क्या होगी, पेरेंट कंपनी की मार्केट प्राइस कितनी, 3, तो 6400 × 3 19200 ये आ गई शेयर एक्सचेंज की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 19200। अच्छा, उसके बाद हमने उसको कैश पेमेंट की है 1.54 पर शेयर, 1.54 पर शेयर कैश पेमेंट होगी, कैश होगा 1.54 पर
शेयर एक्वायर, कितने शेयर्स खरीदे? 9000, 9600, 80% वैल्यू बताएं। वन फोर सेवन एट फोर। ये कैश इमीडिएट पे करना है या फ्यूचर में पे करना है? क्या लिखा हुआ है? चले बताएं, फ्यूचर में बताएं क्या करें? डेफर्ड कंसीडरेशन है ये? सही है, डेफर्ड कंसीडरेशन में क्या करते हैं? फ्यूचर में पे करें। सही है, कैलकुलेशन कैसे होगी? प्रेजेंट वैल्यू, इसकी पी भी फाइंड आउट करना, प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर होना चाहिए। डिस्काउंट फैक्टर कितना दिया हुआ है? डिस्काउंट 10%। 10%। कितने साल के बाद ये पेमेंट हो रही है? 1 जुलाई 2014 से लेकर जून 2015 के ऊपर हो रही है, तो एक साल का 10% का फैक्टर होता है 0.909। तो इसकी पी वी निकालें, 14784 मल्टीप्लाई बाई 10% का फैक्टर हो गया 0.909। इसकी पीवी कितनी आएगी? वन थ्री फोर थ्री एट। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। अच्छा, इसके ऊपर अनवाइंडिंग लगेगा। 13438 मल्टीप्लाई बाय 10%, लेकिन टाइम कितना हुआ है अभी पीएनएल में? 9 months। 1007.8। 1008 का अनवाइंडिंग। ये अनवाइंडिंग जो होती है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ फाइनेंस कॉस्ट चार्ज, क्योंकि हमें बैलेंस शीट तो बनानी नहीं, तो हमें तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए गुडविल के लिए, और हमें अनवाइंडिंग की वैल्यू चाहिए बैलेंस की पीएनएल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। सही, तो गुडविल निकालने के लिए हमें एनसीआई की भी जरूरत पड़ेगी, तो अभी तो हम फिलहाल उसको डिस्कस नहीं करते। अभी तो हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? हम उसके बाद फोकस कर रहे हैं कि हमारा इनकम स्टेटमेंट क्या होगा और उसकी एडजस्टमेंट की बात। तो ये अनवाइंडिंग की एक एडजस्टमेंट आ गई। अब चलते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ। रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, जीपी दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एडमिन है, फाइनेंस कॉस्ट है, पीबीटी है, इनकम टैक्स है, प्रॉफिट फॉर द ईयर सिंपल 9/12 का ख्याल रखना, इक्विटी दी हुई है, इक्विटी शेयर्स हैं, रिटेन अर्निंग है। इनकम स्टेटमेंट के लिए रिटेन अर्निंग की कोई ज़रूरत यूजुअली नहीं होती। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को देखें, एडजस्टमेंट इसी तरह 4-5 एडजस्टमेंट आती है बड़े सवाल में, वो देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर वन, एडजस्टमेंट नंबर वन सेज दैट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन the fair value of net assets were equal to their carrying amount with the exception of an item of plant having a fair value of 7,20,000 above its carrying amount. The remaining life at the date of acquisition was 18 months. Depreciation is charged to cost of sales. Isme kya relevancy? Isme hame depreciation calculate karna hai. Depreciation on fair value. Chale, move on. तो डेप्रिसिएशन हमारे पास जो आ रहा है उसके लिए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक्सीड हुई है 7,20,000 से। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो गई 7,20,000 से, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू 7,20,000 से। लाइफ कितनी है? लाइफ है 18 महीने। ठीक है जी, तो हम जो पीएनएल बना रहे हैं तो उसमें पर एनम डेप्रिसिएशन कितना होगा? 18 से डिवाइड कर दें और ये पर मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और हमारा जो डेप्रिसिएशन पीएनएल बन रहा है वो 9 months का बन रहा है, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन आना चाहिए वो 9 months का कितना आएगा? डेप्रिसिएशन 360।
ये 360 कहाँ जाएगा, ये 360 अगर उसने कुछ नहीं बताया तो ये हम COGS के अंदर ऐड कर देंगे, और इसका एक इम्पैक्ट हम NCI के ऊपर भी टाइम अपोर्शन करके चार्ज कर देंगे, एम आई राइट? तो ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की PNL की एडजस्टमेंट होगी। जी सर एक चीज पूछनी है, जी बोलिए। इधर अबव है सर, तो अगर लो भी तो होती है तो उसको उल्टा किस तरह ट्रीटमेंट, ट्रीट करना है? उल्टा ट्रीटमेंट, रिवर्स ट्रीटमेंट। यहाँ पर कैसे? एसेट की नेट ऑफ वैल्यू होगी बैलेंस शीट के अंदर, 7,20,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है 9 महीने का, 360, 360 होगा ना, 7,20 में से थ्री जी सिक्सटी माइनस करें, थ्री सिक्सटी सिक्सटी सही सिक्सटी है। अच्छा ये उल्टा हो जी जाता तो जब फेयर वैल्यू गिरती है तो डेप्रिसिएशन जो है वो अल्टीमेटली उसका यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, वहाँ डेप्रिसिएशन ऐड होगा। ओके अच्छा जी आगे बढ़े। अब एक अनयूजुअल सी एडजस्टमेंट है, क्योंकि आज तक जो है ना नॉर्मली ऐसी एडजस्टमेंट तो नॉर्मल सवाल में भी नहीं आती किसी सवाल में, तो आप किसी भी स्टैंडर्ड जो हमने पढ़ा, कोई भी स्टैंडर्ड उसको वो कंसोलिडेशन में पेरेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, सब्सिडरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक इसने IAS 23 बोरिंग कॉस्ट डाल दी 1 अप्रैल 2014 पे, CYC ने एक कंस्ट्रक्शन शुरू की थी बैंक लोन लेकर, वो गैप फॉलो कर रहा था जो प्रोहिबिट करता था आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते, लेकिन पेरेंट ने कहा कि IAS 23 ये कहता है कि 1 लाख का इंटरेस्ट जो कि इवनली अक्रू हुआ है पूरे साल का वो कैपिटलाइज हो जाना चाहिए 31 मार्च 2015 तक। प्रोडक्शन फैसिलिटी इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन एज एट 31 मार्च 2015। ये मसला क्या, मसला ये है कि सब्सिडरी गैप के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा था और उसने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया, उसने इंटरेस्ट को उठा के PNL में चार्ज किया। पेरेंट IAS फॉलो कर रहा है, IAS कह रहा है इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख का जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख का इंटरेस्ट PNL में चार्ज हो चुका होगा। कहाँ है 1 लाख का इंटरेस्ट, इसके अंदर 1 लाख का इंटरेस्ट है 300 के अंदर, हाँ या ना? हाँ जी, इसके अंदर 1 लाख का इंटरेस्ट है 300 में, होगा होगा नहीं, होगा नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है इंटरेस्ट को एक्सपेंस में चार्ज। कौन? सब्सिडरी ने 1 लाख का इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस आउट किया है, तो एक्सपेंस आउट किया होगा तो फाइनेंस कॉस्ट में डाला होगा क्योंकि कैपिटलाइजेशन मना है। IAS 23 क्या कह रहा है, IAS 23 कह रहा है इसको यहाँ से हटाएं और इसको कैपिटलाइज कैपिटलाइज कर लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट दी हुई है उस फाइनेंस कॉस्ट के अंदर से आपको ये 100 हटा के सब्सिडी की कंसोलिडेशन करनी है, तो फाइनेंस कॉस्ट जो होगी 300 की उसमें आप इस 100 को पहले हटा दें और जो आंसर आए उसको उठाकर आप 9/12, तो आपकी फिर रेलेवेंट फाइनेंस कॉस्ट रहेगी, 150 रेलेवेंट फाइनेंस कॉस्ट रहेगी। अगर आपने ये कर दिया, मैं गलत ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, अगर आपने ये ट्रीट कर दिया ना 300 मल्टीप्लाई बाय 9/12 तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट गलत हो जाएगी, क्योंकि तो ट्रीटमेंट गलत है, एरर टाइप ऑफ एरर है, सही? तो वो कैपिटलाइज करने की बात कर रहा है, तो हमने इसको हटा दिया और एज्यूम कर लिया कि जी इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है तो ये इंटरेस्ट यहाँ से हटेगा और उसके बाद 9/12 करेंगे। अभी देखते हैं जब हम फाइनेंस कॉस्ट निकालेंगे तो देखते हैं कैसे निकलेगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, फाइनेंस कॉस्ट निकालनी है, PNL की एट्रीब्यूशन करनी है, ये बात हो गई। एक सेकंड देखें, जस्ट लेट्स कंटिन्यू। तो ये IAS 23 अभी हम देखेंगे। अच्छा उसके बाद आपके पास जो नॉर्मल टिपिकल एडजस्टमेंट आती है इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग की, सेल्स फ्रॉम पेरेंट टू सब्सिडरी
इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 3 मिलियन की थी, इंट्रा ग्रुप सेल्स आ गई। इंट्रा ग्रुप सेल्स को हम रेवेन्यू से माइनस करते हैं, इंट्रा ग्रुप सेल्स को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस करते हैं। मार्कअप था उसके ऊपर 20%, 4,20,000 के गुड्स अब तक इन्वेंट्री में रखे हैं, तो इसके ऊपर हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,20,000 के ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 4,20,000 का स्टॉक रखा हुआ है, 20% मार्कअप है ना, 120 मल्टीप्लाई बाय 20, 6 से डिवाइड कर दें इसको, 70,000 का आ गया प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पीयूपी। सेलर कौन है? पेरेंट कंपनी, तो ये COGS में ऐड हो जाएगा और इसका NCI के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सेलर कौन है? पेरेंट कंपनी। दोबारा देखेंगे, सेलर कौन है? सेलर है सेल्स फ्रॉम B2C, सही है जी? सिंपल सी एडजस्टमेंट है, कॉमन सी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, द कंपनीज पॉलिसी इज टू वैल्यू NCI एट फेयर वैल्यू एट द रेट ऑफ एक्विजिशन, फॉर दिस पर्पस शेयर प्राइस इज टू बी यूज्ड। अच्छा, NCI नहीं दिया हुआ, ये जब गुडविल की कैलकुलेशन के लिए फेयर वैल्यू ऑफ NCI आप यहाँ से कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, कभी दिया हुआ होता है कभी नहीं दिया हुआ होता, ये इनकम स्टेटमेंट में था कोई काम नहीं। ऑन 31 मार्च बी कैरिड आउट एन इम्पेयरमेंट रिव्यू विच आइडेंटिफाइड दैट द गुडविल ऑन द एक्विजिशन वॉज इम्पेयर्ड बाय 500,000। इम्पेयर्ड गुडविल इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इम्पेयरमेंट की जो गुडविल है उसका एक अफेक्ट जो है वो NCI पे भी जाएगा और बाकी अफेक्ट उठाकर हम इसको डाल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अब हम हमारी जितनी भी एडजस्टमेंट है उसको लेकर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करते हैं, COGS। COGS में पेरेंट की COGS आ जाएगी, फुल लेंगे 9/12 फुल, फुल सब्सिडरी की आ जाएगी साइक्लिप 6,800 मल्टीप्लाई बाय 9/12 5,100, सही है। उसके बाद इंट्रा ग्रुप सेल्स 3,000, ये नॉर्मल सी एडजस्टमेंट है इंट्रा ग्रुप सेल्स की। उसके बाद PUP या PURP इन स्टॉक, वो कितना निकाला था? ऐड हो गया, सही है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन निकाला था 360, वो ऐड हो गया। अच्छा, उसके बाद इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल जो कि नॉर्मली एडमिन में जाती है, वो भी इसी में डाल दी, सही। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल आ गई 500, किसका अफेक्ट NCI पे जाएगा? किसका अफेक्ट NCI पे जाएगा? इम्पेयरमेंट, इसका अफेक्ट NCI पे जाएगा? इसका अफेक्ट NCI पे नहीं जाएगा, कभी जाता है कभी नहीं जाता, सही। टोटल कर लें प्लस, ये आपका COGS आ गया 20830। उसके बाद रेवेन्यू पे निकालने, पहले रेवेन्यू निकालना था, मैंने रेवेन्यू बाद में निकाल दूँ। पेरेंट का रेवेन्यू, बी का रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट से उठाया 17,800, सी का रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट से उठाना है, रेवेन्यू दिया हुआ है 10,800, कितना होगा? इंट्रा ग्रुप सेल्स
अच्छा, इंट्रा ग्रुप सेल्स हर हाल में माइनस होगी, चाहे वो गुड्स थर्ड पार्टी को आगे बेच दी हो, अनरियलाइज प्रॉफिट हो या ना हो, ये बात ध्यान में। अगर वो सवाल में लिखता है कि अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है और ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी हम माइनस जरूर करें। 29300। तीसरी उसने कैलकुलेशन पूछी थी फाइनेंस कॉस्ट की, फाइनेंस कॉस्ट में पेरेंट की फाइनेंस कॉस्ट पूरी जाएगी, पेरेंट की फाइनेंस कॉस्ट जो इनकम स्टेटमेंट में दी हुई है वो दी हुई है 400 और उसकी दी हुई 300। सी की फाइनेंस कॉस्ट कितनी दी हुई है? 300। अच्छा, 300 को 9/12 नहीं कर सकते, 300 में से पहले वो फाइनेंस कॉस्ट हटाई हमने और उसके बाद उसको 9/12 कर दिया। 100 इसलिए हटाया कि एक अमाउंट फाइनेंस कॉस्ट में एक्सपेंस के तौर पे बुक हुआ हुआ है जिसको आईएएस अलाउ नहीं करता, तो हमने पूरा अमाउंट हटा दिया और उसकी जगह रिमेनिंग वैल्यू पे कैलकुलेशन कर दिया। उसके बाद अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट की थी डेफर्ड कंसीडरेशन के ऊपर, कितने की थी वो अनवाइंड? 9/12 अनवाइंड नहीं आ रही थी। 1008 अनवाइंड आ गई, टोटल कितना हो गया? 1558 ये चला गया पीएनएल के अंदर, 1558। अच्छा, उसके बाद हमें बनाना है एनसीआई ना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू एनसीआई। एनसीआई जो कैलकुलेट होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडरी पे कैलकुलेट होता है। अच्छा, मैं जो वर्किंग करता हूँ वो किताब में से और एग्जामिनर के आंसर से थोड़ी सी मैं अलग करता हूँ। मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडरी में एडजस्टमेंट नहीं डालता, पहले मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो ले लेता हूँ जो सवाल में गिवन होता है, वो कर लेता हूँ ठीक, उसके बाद उसके अंदर एडजस्टमेंट डालता हूँ, सही 20-20% का जो भी इम्पैक्ट होता है। अब आप चाहो तो वो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, आप चाहो तो मेरी वाली कैलकुलेशन भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट जो दिया हुआ है सब्सिडरी का वो कितना है प्रॉफिट, उसको कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट आ गया आपके पास 2400 का, प्रॉफिट दिया हुआ है 2400 का, हमें कितना प्रॉफिट चाहिए? हमें 9 मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, अब स्टूडेंट क्या समझेगा, उसने कहा ऊपर 100 की फाइनेंस कॉस्ट माइनस की थी तो यहाँ भी माइनस करनी पड़ेगी, तो ये तो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, तो अगर उसने फाइनेंस कॉस्ट चार्ज कर दी थी 100 की, आप उसको हटाएंगे तो एक्सपेंस कम होगा, प्रॉफिट 100 से बढ़ जाएगा, ये बात समझ में आती। फाइनेंस कॉस्ट को हटाना है, फाइनेंस कॉस्ट को हटाने का मतलब है फाइनेंस कॉस्ट कम हुई, इंटरेस्ट कम हुआ, एक्सपेंस कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट 2500 हो गया। 2500 का 9/12 करें, 180,000 आएगा। इसके अंदर एनसीआई का शेयर डाल दें, ये विदाउट एडजस्टमेंट एनसीआई आ गया। अब इसमें दो एडजस्टमेंट डाल दें, इम्पेयरमेंट थी 500 की, उसका 20% डाल दें, उसके बाद एक और एडजस्टमेंट थी वो थी डेप्रिसिएशन प्लांट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, वो डेप्रिसिएशन हमने 360 निकाला था, 360 का 20% निकालने, 72, ये दोनों माइनस कर दें, 203 आ गया, 203। अच्छा जी, 203
2035। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है? इसका ऑल्टरनेट तरीका ये है कि आपने सब्सिडियरी का प्रॉफिट लिया, उसमें से पूरी इम्पेयरमेंट माइनस की, पूरा डेप्रिसिएशन माइनस किया, इसका आंसर निकाला। इसका 20% में 203 सही है, एक ही बात है जी सर। अब जैसे आपकी चॉइस है, मेरी आदत इस सिस्टम पे हाथ साफ है मेरा, तो मैं यूजुअली इसको बगैर एडजस्टमेंट के पहले करता हूँ और बाद में उसमें वन बाय वन एडजस्टमेंट उठा के डाल देता हूँ। और जब मैं ऊपर सवाल सॉल्व करता हूँ तो मैं इम्पेयरमेंट जैसे ही निकालूंगा ना, तो उसको 20% ऑलरेडी लिख लूंगा क्वेश्चन के अंदर, जहाँ भी मुझे लिखना होगा, या मार्क कर लूंगा, या ऑलरेडी नोट्स में डाल दूंगा, एक्सेल में डाल दूंगा कि यार ये मुझे 20% एनसीआई को देना, ये डेप्रिसिएशन का 20, क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे और पता नहीं होता कि यार ये क्या करना है, तो इसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट टाई नहीं होती या सवाल जो होता है हमारा वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता। तो ये एक अदद हमने एक बेसिक सा इनकम स्टेटमेंट जो है किया, उसके अंदर हमारी कितनी एडजस्टमेंट कवर हुई, कौन कौन सी एडजस्टमेंट निपटाई हमने इसके अंदर, इसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब टिपिकल बाज दफ़ा ऐसी एडजस्टमेंट आ जाती है, वो भी अगर स्टूडेंट ना सही कर सके तो फिर आप स्टूडेंट के लिए हम दुआई कर सकते हैं, दुआएं मफ़रत कर सकते हैं कि यार वो इतना बड़ा पेपर दे रहा है और उसको डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट नहीं आती। डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल आ गई, और इसके अंदर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट आ गई, तो तीन एडजस्टमेंट तो इसके अंदर हमारी कवर हो गई है। अब चलते हैं एक और सवाल पे, ताकि उसके अंदर हम कुछ और फर्दर एडजस्टमेंट करें और आगे बढ़ें। वेट अ मिनट, लेट मी शेयर क्वेश्चन। अच्छा, अक्सर सवाल जो आते हैं ना वो या तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के कंबाइन होते हैं या प्योर बैलेंस शीट के सवाल होते हैं। इनकम स्टेटमेंट का खालिस सवाल मिलना, इतना बड़ा बनाना, ये नॉर्मली टेक्निकली एग्जामिनर हरकत करता नहीं है कि पूरी पूरी इनकम स्टेटमेंट एक साथ देते, इसलिए अगर इनकम स्टेटमेंट आएगी तो उसके साथ बैलेंस शीट का कोई ना कोई कंपोनेंट होता ज़रूर है। तो अच्छा, इस सवाल के अंदर हमारा गुडविल भी कर लेते हैं हम एहतियातन, ताकि पूरा ही सवाल कवर हो। तो गुडविल के निकालने के लिए हमने ऊपर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाली थी, शेयर्स की कैश कंसिड्रेशन की और शेयर्स की वैल्यू निकाल ली थी। तो इसको मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ कि गुडविल निकालने के लिए अगर आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, एक फॉर्मेट आप कोई सा भी चूज़ कर लें, सबसे पहले क्या लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, वैल्यू ऑफ एनसीआई, ठीक है जी, और क्या माइनस करते हैं, नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी, नेट एक्विटी। फॉर्मेट इतना क्लियर होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए फॉर्मेट के, जी इसके अंदर ये चीजें आती हैं नॉर्मली, ताकि कोई फॉर्मेट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की वर्किंग दिखानी है आपको, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास ऊपर कैश कंसिडरेशन थी 14784 और शेयर्स की वैल्यू थी 19,200। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, शेयर्स आ गए 19,200, यहाँ लिख देता हूँ 19,200, और कैश कंसिडरेशन हमारे पास थी 13,440 थी ना, 13,438 थी, 13,440 कर लेते हैं, दोनों को प्लस करें, थ्री टू सिक्स फोर जीरो की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई नहीं दी थी सवाल में, तो हम फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई की वर्किंग कर लेते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन,
इसके लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी हमारे पास जो गिवन है वो थे 12। 12,000 नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास हैं 12,000। एनसीआई की परसेंटेज कितनी है? 20। 20 सब्सिडियरी की शेयर प्राइस कितनी है? 2.50 सब्सिडियरी की शेयर प्राइस है 2.50। इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, 6,000 12,000 इंटू 0.20 इंटू 2.50, या आ गई आपके पास 6,000 की एनसीआई। ये 6,000 का एनसीआई आपने यहाँ डाला। उसके बाद आपको जाना है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन, इसकी भी वर्किंग दिखाएं। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन, इसके लिए सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल लेना होता है, उसके बाद शेयर प्रीमियम लेना होता है, उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस लेना होता है, उसके बाद रिटेन अर्निंग लेनी होती है, और उसके बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लेनी होती है। अब सारी चीज़ें सवाल में नहीं होती, वन बाय वन चलते हैं क्या क्या अवेलेबल है। एक्विजिशन डेट के ऊपर जो डेटा दिया होता है, एग्जामिनर इस डेटा को बहुत घुमा फिरा के भी दे सकता है। एक्विजिशन डेट थी 1 अप्रैल 2014, एम आई राइट? तो 1 अप्रैल 2014 को हमारे पास इक्विटी है 12,000 की, रिटेन अर्निंग है 13,500। इक्विटी है 12,000 की और रिटेन अर्निंग है 13,000। रिटेन अर्निंग कितनी थी? 13,500 13,500। अच्छा, ये जो 13,500 दिया हुआ है ये किस डेट के ऊपर है? 1 अप्रैल। एक सेकंड, हमने एक्वायर कब किया? 1 जुलाई को। और ये कब दिया हुआ है? 1 अप्रैल को। ये 1 अप्रैल को दिया हुआ है 13,500, 1 अप्रैल। और हमने कब इसको लिया है? जुलाई में। तो अप्रैल मई जून, अप्रैल मई एंड जून, सही है? अप्रैल मई और जून, 3 महीने का प्रॉफिट लेना, 3/12। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है? 2,400। इसमें एक एडजस्टमेंट थी। अब अक्सर ने ये एडजस्टमेंट गलत की होगी, 100 वाली, कोई मसला नहीं, 100 अगर ना लेंगे तो एक दो मार्क्स कट जाएंगे। 3/12, 6 6 to 5, 6 to 5। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो आ रही थी वो आ रही थी 720। डेप्रिसिएशन एक्विजिशन पे तो नहीं होता, ये नेट एसेट्स आ गए। कितने हो गए? सही है, रिटेन अर्निंग ऐड करेंगे? क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्यों नहीं ऐड करेंगे? 13,500 में ये ऐड करें 625, ये 13,500 यहाँ लिखें, ये 625 इसमें ऐड करें, और उसके बाद 26845, 26845 ये ऊपर फॉर्मेट में लाएं, 26845। माइनस करें, प्लस माइनस करके निकालना, 11,795। ये आ गई गुडविल एट एक्विजिशन। अगर उसने रिपोर्टिंग डेट पे मांगी होती तो मैं इंपेयरमेंट भी माइनस कर देता, एक्विजिशन पे मांगी है इसलिए गुडविल एट एक्विजिशन। अब देखिए होना पता क्या चाहिए, स्टूडेंट कहता है यार मैं 10 से ज्यादा सवाल कर लूं, हम उसे कहते हैं कि भाई अगर आपने ये सवाल किया है ना तो इसके अंदर शेयर एक्सचेंज भी है, इसके अंदर डेफर्ड कंसिडरेशन भी है, इसके अंदर एनसीआई भी निकालना था, इसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी थी, उसका डेप्रिसिएशन भी था,
इसके अंदर एक एरर भी दिया हुआ था या एडजस्टमेंट थी इसके अंदर इंटर, ये सवाल अगर आप 3-4 मरतबा जब तक अच्छा आपका इस सवाल पे ग्रिप ना आ जाए ना आउटस्टैंडिंग किस्म की, इसी सवाल को करते रहे भाई। नया सवाल करने से बेहतर है उसी सवाल के अंदर इस एडजस्टमेंट के ऊपर कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए, फिर आप अगले सवाल पे जाएंगे ना तो आपके माइंड में ये होगा कि यार ये वाली चीजें अगर आ गई ना दोबारा तो मैं ये तो निपटा दूंगी, फिर आप ढूंढे कोई नया सवाल जिसके अंदर कुछ और कुछ नया आया, तो फिर आपको नई चीज देखने मिले जिसमें एसोसिएट नहीं है, सही है, इसमें इंट्रा ग्रुप नहीं है, इसमें इंट्रा ग्रुप फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, इसमें इंट्रा ग्रुप सेल ऑफ नॉन करंट एसेट नहीं है, तो वैरायटी इनकम स्टेटमेंट में स्टिल मौजूद है जो आपके एग्जाम में आ सकती है और आपको टफ टाइम दे सकती है। ठीक है जी, जी सर, देखें जी, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये आपके सामने एक सवाल है पास पेपर का जिसमें पहले रिक्वायरमेंट में गुडविल निकालनी है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। एसोसिएट का कैरिंग अमाउंट निकालना है जो बैलेंस शीट में डालना है, नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ, 9 मार्क्स ये आ गए। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द पेंडर ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड सेप्टेम्बर 2009, 16 मार्क्स का इनकम स्टेटमेंट का सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत वैरायटी है सवाल के अंदर और वो चीज़ें भी आ जाएंगी जो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस की हैं, तो दैट वुड बी अ रिपीटेशन। इनकम स्टेटमेंट बनाना है 30 सितंबर 2009 का, हाउ इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। नाउ देर आर 3 कंपनीज, अ सब्सिडरी एंड एसोसिएट, तो इसके अंदर हम एसोसिएट का भी कुछ पोर्शन डिस्कस कर लेंगे कि अगर इनकम स्टेटमेंट में एसोसिएट आती है तो उसमें क्या करना चाहिए। इसमें इंट्रा ग्रुप डिविडेंड भी है, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट भी है, तो इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट और डिविडेंड की अच्छी एग्जाम्पल है। अच्छा जी, क्या ये मिड ईयर एक्विजिशन है, 30 सितंबर पे बनाना है और 1 अप्रैल पे हमने पेंडर ने 80% शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं सेल्वा के। अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने की अकाउंटिंग हो रही है, इसका मतलब है ये भी मिड ईयर एक्विजिशन है। ये एक्विजिशन हुआ था थ्रू शेयर एक्सचेंज, तो आपको एक शेयर एक्सचेंज की और एग्जाम्पल मिल गई, इसकी गुडविल आपको मैं होमवर्क दूंगा खुद कैलकुलेट करनी है। मार्केट प्राइस दी हुई है पेंडर और सेल्वा की, शेयर एक्सचेंज आ जाएगा, इसमें डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं है। पिछली एग्जाम्पल में डेफर्ड कंसिडरेशन भी थी, इसमें नहीं है, जस्ट 1 शेयर एक्सचेंज एग्जाम्पल। ऑन द सेम डेट यानी कि 1 अप्रैल को ही इसने 40% शेयर एक्वायर किए हैं एम्ब्रा के, $2 per share के ऊपर। अच्छा आप देखिए, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो IFRS 10 और IAS 28 की थ्योरी नहीं पढ़ के जाते, तो IFRS 10 में थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल इश्यूज हैं और IAS 28 के अंदर एसोसिएट के, वो आप नोट से रेफर कर सकते हैं कि एसोसिएट की अकाउंटिंग इक्विटी मेथड से होती है, इक्विटी मेथड क्या होता है, कब एसोसिएट की अकाउंटिंग नहीं होती, इसी तरह कॉन्सोलिडेशन की। अच्छा जी, उसके बाद रेवेन्यू आ गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई। अच्छा ये हमें अच्छी तरह से पता है, ये बात हमें अच्छी तरह से पता है कि जो एसोसिएट होता है ना उसको कंसोलिडेट नहीं करते, लाइन बाय लाइन उसको कभी भी नहीं लेकर जा सकते। एसोसिएट के लिए इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग अंडर IAS 28 की जाती है। IAS 28 कहता है कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल होगा, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग और एक सिंगल लाइन आइटम निकालेंगे इनकम स्टेटमेंट के लिए भी और OCI के लिए भी, विच इज़ इनकम फ्रॉम एसोसिएट। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट आ गया, एडमिन एक्सपेंस आ गए, इनकम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये कहाँ से मिला है, इसे ये चेक करना पड़ेगा। तो एक मैं पॉइंट आपको यहाँ बता रहा हूँ, डिविडेंड अगर सब्सिडरी से मिला तो कैंसिलिंग आइटम, डिविडेंड अगर एसोसिएट से मिला दोनों कैंसिलिंग आइटम, इंटरेस्ट अगर सब्सिडरी से मिला तो कैंसिलिंग आइटम, एसोसिएट से मिला तो कैंसिलिंग आइटम नहीं होगा, इस बात का ख्याल रहे। फाइनेंस कॉस्ट, तो जब इंट्रा ग्रुप होगी तो एक पार्टी फाइनेंस कॉस्ट पे कर रही होगी और दूसरी पार्टी फाइनेंस कॉस्ट रिसीव कर रही होगी, तो फाइनेंस कॉस्ट को भी नज़र में रखना है 3000 को। इनकम टैक्स दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, फॉलोइंग
सेक्शन इज अवेलेबल, ये बैलेंस शीट के लिए ना, गुडविल के लिए उन्होंने शेयर्स दिए हुए हैं, प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है 21,000 का, उसका 5,000 का लॉस है, यानी कि एसोसिएट में लॉस है, लॉस में शेयर लेना है। डिविडेंड पे किया है 26 सितंबर को सब्सिडरी ने, एसोसिएट ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड दिया है सब्सिडरी ने, कितना डिविडेंड दिया है 8,000 का। इस 8,000 में हमारा शेयर कितना होगा 6,400, और वहां लिखा हुआ है 9,500, लेकिन उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और डिविडेंड भी शामिल है, तो एक इंट्रा ग्रुप डिविडेंड तो मैंने अलग कर लिया जो कि कैंसिलिंग आइटम है। एग्जाम में इस बात का ख्याल रखा जाए कि बाज दफा वो आपका शेयर ऑफ डिविडेंड बता देता है, उसका 80% नहीं करना, सब्सिडरी ने अगर टोटल डिविडेंड दिया है तो उसका 80% करना, सही। और ये पोस्ट डिविडेंड होना चाहिए, सही है, ये एक्विजिशन का डिविडेंड नहीं होना चाहिए, ये आफ्टर जो है वो एक्विजिशन डिविडेंड होना चाहिए। उसके बाद उसने कुछ एडजस्टमेंट दी, टिपिकल एडजस्टमेंट है जो हम करते हैं वो देख लेते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सेल्वा वॉज इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट विद द एक्सेप्शन ऑफ अ प्लांट हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 12 मिलियन, और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 17 मिलियन, 5 मिलियन का फेयर वैल्यू अपलिफ्ट आया। रिमेनिंग लाइफ कितनी है 5 साल, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, ये हमने पिछली एग्जाम्पल में की थी, कॉपी पेस्ट बिल्कुल सिमिलर। इन एडिशन सेल्वा ओन्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉपुलर इंटरनेट डोमेन नेम इंटेंजिबल एसेट, द रजिस्ट्रेशन विच हैड अ नेगलिजिबल कॉस्ट हैज अ 5-year रिमेनिंग लाइफ, हाउएवर इट इज रिन्यूएबल इंडेफिनेटली एट अ नॉमिनल कॉस्ट, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द डोमेन नेम वॉज वैल्यूड बाय अ कंपनी एट 20 मिलियन। तो ये डोमेन नेम कैपिटलाइज होगा नेट एसेट्स की कैलकुलेशन में आएगा, और इसकी अमोर्टाइजेशन होगी या अमोर्टाइजेशन नहीं होगी, क्या ख्याल है, इसकी अमोर्टाइजेशन होनी चाहिए, बताएं डोमेन नेम की अमोर्टाइजेशन। ये पूरा स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें अच्छी तरीके से और ये बताएं डोमेन नेम की अमोर्टाइजेशन होगी या नहीं। गलती हो सकती है यहाँ पर, सवाल में क्लू दिया हुआ, क्लू क्या है, क्लू दिया हुआ है इट इज रिन्यूएबल इनडेफिनेटली एट अ नॉमिनल कॉस्ट, यानी कि आपके पास एक डोमेन नेम है जिसको आप नॉमिनल सी कॉस्ट देकर रिन्यू करवा सकते हैं, तो क्यों हम रिन्यू नहीं करवाएंगे, तो अंडरस्टूड बात है कि ये रिन्यू हो जाएगा और इसकी अमोर्टाइजेशन नहीं होगी क्योंकि इसकी लाइफ इनडेफिनेट हो गई, तो हम सिर्फ 20 मिलियन की नेट एसेट्स में वैल्यू लेके जाएंगे। अच्छा, द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड द डोमेन नेम हैव नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि दोनों फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होंगे, नो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन एम्ब्रा, एसोसिएट में कुछ भी नहीं है। After acquisition of Selva, Pender invested 50 million in an 8% loan note from Selva, intra-group loan note. ये बड़ी technical adjustment होती है, intra-group loan note. Parent ने investment की भी है 50 million की Pender के loan note के अंदर, तो 50 million का 8% कितना होगा, 50 मिलियन का 8% है 4 मिलियन, कैसे 6/12 करना चाहिए, सब्सिडरी को एक्वायर किए हुए कितना टाइम हुआ है 6 महीने, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी कितना देंगे 6 महीने का, सही है, तो 6 महीने का लोन का इंटरेस्ट कितना होगा 2। अच्छा, ये जो 200 है क्या ये रिकॉर्ड हो चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या लिखा हुआ,
इस 2 मिलियन की एंट्री पेंडर भी पास कर चुका है और सेल्वा भी पास कर चुका है। पेंडर को इंटरेस्ट मिलना है, सेल्वा को इंटरेस्ट देना है। तो ये टू जो है, ये टू इस 9500 में भी है और ये टू जो है ये 3000 के अंदर भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। एम आई राइट? जी तो आपको एडजस्ट करना है इसको, वहां से जाके फाइनेंस कॉस्ट को भी एडजस्ट करना है और उसको भी एडजस्ट करना है, इंट्रा ग्रुप की जो एलिमेंट है इसके अंदर। सही है? अच्छा जी, आगे बढ़े, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। जी सर, पेंडर हैज क्रेडिटेड द होल ऑफ द डिविडेंड इट रिसीव फ्रॉम सेल्वा टू इन्वेस्टमेंट इनकम, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। After the acquisition, Pender, यानी कि parent, sold goods for 15 million. Intra-group sales, Pender made a gross profit of 20%. Markup नहीं दिया हुआ, अब 20% margin दिया हुआ। One third of goods are still in stock. There are no intra-group current account balances, यानी कि receivables और payables नहीं है। सिर्फ intra-group sales हैं, intra-group purchases हैं और unrealized profit है। तीन चीजें होती हैं। सेल्स हटाएंगे, परचेजेस में से हटाएंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल कर ऐड कर देंगे। बताएं जी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना होगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो हमारे पास 15 मिलियन के गुड्स हैं, उसमें से 1/3 5 मिलियन के गुड्स स्टॉक में पड़े हुए, जिस पे प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 20%। कितने हो गए? 1000 मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.1 मिलियन आ रहा है जी, नहीं 1 मिलियन होगा। 1 मिलियन सही। अच्छा, बाज दफा स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये मार्कअप मार्जिन क्या है, कभी वो मार्कअप दे देता है, कभी वो मार्जिन दे देता है। तो बी केयरफुल कि आपको मार्कअप इस्तेमाल करना है, मार्जिन इस्तेमाल करना है, कॉस्ट दी हुई है, सेल्स वैल्यू दी हुई है, फजूल में इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ तो मार्जिन ही होगा। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट दी हुई है तो मार्कअप है, सही है? और नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है तो मार्जिन होता है। डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर ये वर्डिंग पिक करने की कोशिश करें। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो फेयर वैल्यू पे मेजर होंगे। इस सवाल में भी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई नहीं दी हुई है। देखें, रिपीट सवाल, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई दोबारा निकालना आसान है। गुडविल ऑफ सेल्वा के अंदर कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 3 मिलियन से इम्पेयर्ड हो गई। तो जब हम इनकम फ्रॉम एसोसिएट निकालेंगे तो उस इनकम फ्रॉम एसोसिएट के अंदर हम इसकी इम्पेयरमेंट को साथ भी डाल सकते हैं और चाहे तो उसको अलग भी ले सकते हैं। दोनों ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट होते हैं। All of the above income statement are deemed to accrue evenly over the year unless otherwise indicated. तो ये सवाल है और इस सवाल में ये जो इंट्रा ग्रुप वाला एलिमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट टेंशन वाली, इंट्रा ग्रुप वाली, इंट्रा ग्रुप लोन वाली, इन्वेस्टमेंट इनकम वाली, और बाकी जो थोड़ा मसला था इसके अंदर वो ये डोमेन नेम वाला मसला था। बाकी अदर देन दैट तो ये तकरीबन वही सवाल है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एसोसिएट एक एडिशनल आ गया, तो लेट्स कम्प्लीट दिस क्वेश्चन। बनाते हैं इसका कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से स्टूडेंट ये समझते हैं कि जी F7 में कंसोलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एग्जामिनर को भी ये बात समझ में आ गई है कि वो इस चक्कर में जाते हैं कि 20 नंबर का तो कंसोलिडेशन आएगा, बस यही करके चले गए। तो आजकल ना उसका फोकस रेशियोज पे ज्यादा जाता है। सुनने में ये आता है कि रेशियोज का सवाल उसने एक तरह से कंपलसरी कर दिया, लाजमी पूछता है सेक्शन सी में। अब फाइनल अकाउंट और कंसोलिडेशन के बीच में एक जंग है कि फाइनल अकाउंट आएगा, कंसोलिडेशन आएगी, और कंसोलिडेशन अगर उसे देनी है तो रेशियोज के साथ कंबाइन करेगा,
चार पांच सवाल एमसीक्यू उसमें डाल देगा, तो दिस टॉपिक इज स्टिल इम्पॉर्टेंट. ये तो हम रूल आउट कर ही नहीं सकते कि कॉन्सोलिडेशन तो ACCA में जो ना F7 में बेकार हो गया, ये तो हमेशा ही रहेगा. लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये कैसे टेस्ट करेगा वो, आपकी किस्मत अच्छी है अगर 20 नंबर का पूरा कंप्लीट सवाल आ जाता है, वरना एमसीक्यू उस पर डिपेंड करना पड़ेगा. तो ये मैंने फॉर्मेट बना दिया. अब आप एक्सेल के अंदर ये फॉर्मेट टाइप करेंगे, तो पहले आप फॉर्मेट टाइप कर लें और उसकी जो भी वैल्यूएशन है, एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर वर्किंग आप नीचे फुट नोट के ऊपर वर्किंग कर करके उसकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे. इन्वेस्टमेंट इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, शेयर ऑफ एसोसिएट्स प्रॉफिट, ये सब कुछ माइनस करने के बाद अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इसमें से टैक्स माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर. फिर हम इसमें से NCI की वैल्यूएशन माइनस करेंगे. अब सवाल पे फोकस करें तो पेरेंट का रेवेन्यू है 2,10,000. सब्सिडरी का जो गिवन रेवेन्यू है वो है 1,50,000. मिड ईयर एक्विजिशन थी 6/12. इंट्रा ग्रुप सेल्स थी 15,000 की, माइनस कर दी. बिल्कुल वैसी एडजस्टमेंट जैसे पिछले सवाल में थी. वर्किंग आंसर निकाल 270,000 का. याद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बहुत सारी चीज़ें, तो COGS की हम सेपरेट वर्किंग कर लेते हैं. और COGS के अंदर पेरेंट का COGS जो है, पेरेंट का नाम लिख दें यहाँ पर, पेरेंट का COGS जो है, पेंडर का जो COGS है वो आ जाएगा आपका 1,26,000. सेल्वा का जो COGS है वो था 1,00,000 × 6/12, ये आ गया 50,000. इंट्रा ग्रुप सेल्स 15,000 की, ये माइनस हो गई. अब दो चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, COGS का सॉरी एसेट का डेप्रिसिएशन. तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो हमारी आई थी, उस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे चलते हैं. 5 मिलियन की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, 5 साल उसकी लाइफ थी. तो 5 मिलियन की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, 5 साल उसकी लाइफ थी, × 6/12 कितना हुआ? 500. अच्छा जी, इसके बाद PURP, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 1 मिलियन का निकाला था. इसकी अगर वर्किंग की तो वर्किंग रेफरेंस डाल दें यहाँ पर, और यहीं वर्किंग करनी है तो यहीं वर्किंग करनी. टोटल कितना आ गया? 162,500. ये 162,500 उठाया आपने, और ये आ गया 162,500. और इसका GP निकाल लें. 107,500. अच्छा जी, अब आपने सवाल में एडमिन एक्सपेंस देखा, पेरेंट का 18,300, सब्सिडरी का एडमिन एक्सपेंस दिया हुआ था 9,000, उस 9,000 को आपने 6/12 किया. टोटल निकालें. डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 14,700. इन्वेस्टमेंट इनकम हिस्ट्री की, तो इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग डाल दें, वर्किंग नंबर 3. सर एडमिन में वो नहीं जाएगा इम्पेयरमेंट? इम्पेयरमेंट एसोसिएट का था, वो मैं एसोसिएट के अंदर ही डाल दूंगी. अच्छा, गिवन इन द क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है? 9,500. इसमें केयरफुल रहना, 9,500. इसमें से इंट्रा ग्रुप डिविडेंड जो उसको मिला, इंट्रा ग्रुप डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी 6,400 का निकाला था मैंने.
वो डिडक्ट हो गया। उसके बाद इंट्रा ग्रुप लोन 200 था मेरे ख्याल से, am I right? 2000 था, 2000 था, 2000 था। 1 minute check कर लेते हैं। 50,000 का था ना? हाँ, 8% का 6/12 था ना, 2000 था। ये इंट्रा ग्रुप लोन स्टॉक आ गए, 8400 में से माइनस करेंगे तो 1100। ये 1100 का जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, इसकी अपनी है, किसी थर्ड कंपनी से मिली है उसको, कहीं और से मिली, ये ऐड कर दी हमने। उसके बाद इस सवाल में फाइनेंस कॉस्ट का भी इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है। फाइनेंस कॉस्ट में आपके पास आ गई पेरेंट की फाइनेंस कॉस्ट, पेंडर की। सवाल में दी हुई है पेरेंट की फाइनेंस कॉस्ट 1800। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम, सब्सिडरी की फाइनेंस कॉस्ट जो पीएनएल में दी हुई है वो चेक करें कितनी। सब्सिडरी की फाइनेंस कॉस्ट दी हुई है 3000। ये 3000 जो सब्सिडरी की फाइनेंस कॉस्ट दी हुई है पूरे साल की, तो एक तरीका तो ये होता है कि इसको आप इमीडिएटली 6/12 कर लें। अगर इसको 6/12 कर लिया जाए तो गलती हो जाएगी, क्योंकि तो इसके अंदर एक इंटरेस्ट भी शामिल है, तो पहले उस इंटरेस्ट को एडजस्ट किया जाए और उसके बाद फिर 6/12 किया जाए, डायरेक्टली 6/12 कर दूं। पहले इंटरेस्ट को करेंगे माइनस, तो दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा सेफ है 3000 में से पहले हमने इंट्रा ग्रुप को हटा दिया ताकि वो 6/12 ना हो जाए, सही है। और उसके बाद जो आंसर आया उसको हमने 6/12 कर दिया। कितना आंसर आया? फाइव हंड्रेड आ गया, ठीक है। अच्छा, इंट्रा ग्रुप जो उसने इंटरेस्ट दिया है, वो कितना बन रहा था? 2000। सही है, तो 2000 का क्या करें? इसी पे ऐड कर देंगे, ऐड कर दें। 2000 आना चाहिए फाइनेंस कॉस्ट में, सर आना चाहिए। वहां से हटाया हमने फाइनेंस इंटरेस्ट इनकम से, यहाँ आना चाहिए तो नहीं सर, फिर एसोसिएट में जाएगा। एसोसिएट में क्यों जाएगा? एसोसिएट से क्या ताल्लुक है? नहीं जाएगा फिर। इधर ही आएगा। प्लस 2000, जी एक सेकंड देखो ना दोबारा देखो। 50 मिलियन उसने इसको फाइनेंस कॉस्ट पे की, तो अगर 50 मिलियन उसने फाइनेंस कॉस्ट पे किए है, तो अगर मैं इसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ना 2000, तो प्रॉब्लम ये होगी कि वो इसके अंदर रेप्लिकेट होके चला जाएगा। सही है, नहीं आना चाहिए। टोटल कितना हो गया? क्योंकि दोनों तरफ से हटेगा ना, अगर इसने इसकी एंट्री पास करना चाहूँ तो एक पार्टी ने इंटरेस्ट दे दिया, दूसरी पार्टी ने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, एंट्री पास करो तो कैंसलिंग होगी। इंटरेस्ट इनकम को डेबिट कर दो 2000 से और इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो 2000 से। लेकिन इसमें ख्याल इस बात का रखना है कि दोनों ने रिकॉर्ड किया या नहीं किया। बाज जब वो सवाल में ये लिख देगा कि एक ने रिकॉर्ड कर लिया और दूसरे ने रिकॉर्ड नहीं किया, जब वो कह दे कि दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया है, तो फिर हम एलिमिनेट करेंगे दोनों साइड से, ठीक है। लिखा हुआ उसने? हाँ लिखा हुआ, दोनों ने अक्रू किया। 2300 यहाँ से माइनस हो गया, वर्किंग नोट नंबर 4। उसके बाद हमारी अगली वर्किंग आ गई एसोसिएट। एसोसिएट का सिंगल लाइन आइटम लेते हैं, सिंगल लाइन आइटम है लॉस फ्रॉम एसोसिएट। इस सवाल में लॉस दिया हुआ, तो लॉस हो या प्रॉफिट हो एसोसिएट को हम कंबाइन करेंगे अपने साथ,
5,000 का लॉस है, फुल टाइम का 5,000 का लॉस है। 6/12 करना है इसको, 2,500 का लॉस फ्रॉम एसोसिएट, परसेंटेज ऑफ पेरेंट, पेरेंट की परसेंटेज है 40%, तो ये हो गया 25 25 5, 1,000, 1,000 का लॉस फ्रॉम एसोसिएट हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमें ये पता है कि उसने कहा था 3,000 की इम्पेयरमेंट है, तो इम्पेयरमेंट माइनस होती है, तो जी टोटल आ गया 4,000 का एसोसिएट का शेयर, तो ये आ गया 4,000 का शेयर। आंसर सिर्फ मेमोरलाइज नहीं जाएगा प्रॉफिट अनरियलाइज्ड एसोसिएट का। तो था ही नहीं ना एसोसिएट, होता तो जाता ना, पेरेंट तो सब्सिडरी था। निकालें जी, सिक्स फोर एट डबल जीरो 6,480, एक सेकंड। टैक्स, टैक्स आ गया आपका 15,000 और 10,000, सो टैक्स में डायरेक्ट लिख देता हूँ, टैक्स आ गया 15,000 और 10,000 का हाफ 5,000, तो टैक्स आ गया 20,000, 44,800 प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू हाउ मच, पेरेंट कंपनी एंड प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, एनसीआई की वर्किंग वर्किंग नोट नंबर 5, एनसीआई सब्सिडरी के आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पे निकलेगा। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए हमें चाहिए आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, कितना दिया हुआ सवाल में आफ्टर टैक्स प्रॉफिट? आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हमारे पास है 21,000, गिवन कितना है 21,000, इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, इस आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से 2,000 माइनस हुआ हुआ है, अब उस 2,000 को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम सब्सिडरी की वर्किंग कर सकते हैं। और टू डू, और उसके बाद डेप्रिसिएशन वगैरह डालेंगे इसमें, तो उसका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दिया हुआ है 21,000 में, तो 21,000 में एक काम कर लेते हैं, फाइनेंस कॉस्ट माइनस हुई भी होगी ना 2,000 की, तो 21,000 के अंदर फाइनेंस कॉस्ट ऐड कर लें अगर 2,000 की, तो टोटल कितना आ जाएगा 23,000, 3,000 ये फाइनेंस कॉस्ट के बगैर आ जाएगा, तो फाइनेंस कॉस्ट हमने हटा दी, और इसको हम कर देते हैं 6/12, वन वन फाइव कितना आ गया 115,000 115, एक सेकेंड दोबारा चेक करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 30,000 में से 10,000 माइनस हुआ, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडरी 21,000, और इसको एक्वायर किए हुए अभी हमारे पास पड़े हुए हैं 6 महीने हुए ना, इसको एक्वायर किए हुए 6 महीने हुए, तो आफ्टर टैक्स अगर हम इसको निकालते हैं तो ये बनता है 6 दी। अब इसमें एक मसला है, मसला ये है अगर हम ये ट्रीटमेंट करते हैं ना, थोड़ा सा इसके अंदर एक मसला, मसला ये है कि अब आप, मैं एक थोड़ी सी गलत प्रैक्टिस करता हूँ, ये 21,000 है, इसको मैं 6/12 कर देता हूँ, इसका आंसर बताऊँ, ये मैं गलत कैलकुलेशन कर रहा हूँ, व्हाट इज द आंसर? 105,000
10500, और इसके ऊपर उठाकर मैं परसेंटेज लगा देता हूँ। परसेंटेज कितनी थी एनसीआई की? 20। इसमें क्या गलती है? अगर ऐसा किया जाए तो क्या प्रॉब्लम है? इसके अंदर 2000 की फाइनेंस कॉस्ट भी है, और वो फाइनेंस कॉस्ट पोस्ट वाली थी। जब हमने इसको 6/12 किया तो फाइनेंस कॉस्ट का 1000 प्री में चला गया और फाइनेंस कॉस्ट का 1000 पोस्ट में चला गया। हालांकि फाइनेंस कॉस्ट सारी की सारी क्या है? सारी की सारी पोस्ट वाली फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने 21000 में पहले फाइनेंस कॉस्ट को एडजस्ट कर दिया, जैसे फाइनेंस कॉस्ट है ही नहीं, और प्रॉफिट क्या आ गया? 23000। अब हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, 11500 एंड 11500, ताकि प्री और पोस्ट हमारा क्लियर हो। ये प्री और ये पोस्ट, ये 6 महीने का प्रॉफिट आ गया। अब इस 6 महीने के प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट तो अल्टीमेटली इसके अंदर जो हमने माइनस किया था और प्रॉफिट जो हमारा रिड्यूस हो गया था, बढ़ाकर हम ले आए इसके अंदर। अब सब्सिडरी ने, एक सेकेंड वेट करो, लेट्स रिज्यूम अगेन। अब ये 11500 जो आया है, इसके अंदर हमारी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो सिर्फ पोस्ट पीरियड की फाइनेंस कॉस्ट है। तो सब्सिडरी ने 2000 का इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो सब्सिडरी का आफ्टर इंटरेस्ट प्रॉफिट कितना हुआ? वो हो गया 9500। तो अगर हम डायरेक्ट 2000 इंक्लूड करके 21000 को स्प्लिट करते तो हमारा आंसर है ना कुछ और आ रहा होता, और फाइनेंस कॉस्ट 1000 इधर चली जाती, फाइनेंस कॉस्ट 1000 उधर चली जाती। तो सब्सिडरी का टेक्निकली जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 9500। अब इसके ऊपर 9500 के ऊपर आपको एनसीआई की वर्किंग करनी चाहिए कि एनसीआई का क्या शेयर मिलेगा। और तो एनसीआई का शेयर इसके ऊपर कितना होगा? 20% निकालें इसमें 9500 का 1900 जी, 1900 आ गया। यहाँ पर इम्पेयरमेंट थी सवाल में जी, इम्पेयरमेंट तो सवाल में नहीं थी भाई, इम्पेयरमेंट तो गुडविल की उसकी थी, एसोसिएट की थी। डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट था 2000। एक सेकंड, ओरिजिनल एक दफा देख लें डेप्रिसिएशन कितना था, पिछले सवाल का ही ना ले लिया। डेप्रिसिएशन था, कहाँ डाला था डेप्रिसिएशन? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाला था ना। डेप्रिसिएशन था 500 का, ये मेरे ख्याल से पिछले सवाल में था, 1000 वाला। डेप्रिसिएशन था 500 का, 500 का 20% कितना होगा? 100। और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है एनसीआई में जाने वाला? तो ये 1800 का एनसीआई उठाया आपने और एट्रीब्यूशन में डाल दिया, तो ये आ गया 1800। अगर मैं एनसीआई को दे दूं आउट ऑफ 44,800 तो कितना बनेगा? 43,000। पेरेंट का शेयर कितना हो गया? 43,000। इनकम स्टेटमेंट डन। तो इस इनकम स्टेटमेंट में पिछले वाले इनकम स्टेटमेंट के मुकाबले में 2-3 एडजस्टमेंट नहीं आते। एक इंट्रा ग्रुप डिविडेंड भी आ गया, एक इंट्रा ग्रुप लोन नोट भी आ गया, एसोसिएट भी आ गया, एसोसिएट की इम्पेयरमेंट भी आ गई, 4 नई एडजस्टमेंट आ गए, और बाकी सारी एडजस्टमेंट वही पिछली वाली है। और इसके जो पहला पार्ट था, पहला और जो दूसरा पार्ट था, वो कह रहा है गुडविल निकालें, तो गुडविल के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी, एनसीआई निकालना पड़ेगा, नेट एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसमें मसला है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोगों को ट्राई करना। एसोसिएट की वैल्यू निकालनी है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इज़ कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हुई है, जो पेरेंट ने की है कहाँ दी हुई है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। 40% शेयर्स उसने एक्वायर किए हुए हैं, पेइंग $2 पर शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके $2 पर शेयर निकाल लेंगे, और शेयर इन प्रॉफिट या शेयर इन लॉसेस को उसके अंदर ऑफसेट कर देंगे। ये मैं करवा देता हूँ एसोसिएट,
इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, हम जब बैलेंस शीट करेंगे तो उसमें एक दफा फिर रिपीट हो जाएगा हमारा। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का फॉर्मेट याद करें सबसे पहले, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आती है तो पेरेंट ने की होती है एट द एक्विजिशन डेट, उसके अंदर प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम एसोसिएट शेयर आता है, लॉस ऑफ एसोसिएट या प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, और उसके बाद उसमें से हम इंट्रा ग्रुप या इम्पेयरमेंट वगैरह उसमें से एडजस्ट कर देते हैं। तो इस सवाल में जो उसने शेयर्स ख़रीदे हैं वो कितने शेयर्स ख़रीदे थे, उसने शेयर्स ख़रीदे थे 40%, $2 पर शेयर पे किया, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने, 40,000। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए 40,000, कितने ख़रीदे हैं उसने, 40% ख़रीदे, सही है, कितने शेयर्स ख़रीदे, 16,000। तो एक्वायर्ड कितने किए, 16,000। जो $2 दिए वो किस हिसाब से दिए, पर एक्वायर्ड शेयर्स दिए, देख लेते हैं, पर शेयर 32। तो इसकी जो वैल्यूएशन आ गई वो आ गई 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 32,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी उसने। अच्छा जी, ये आ गई यहाँ पर 32,000। अच्छा, लॉस फ्रॉम एसोसिएट, 6 महीने का लॉस, तो लॉस हमारे पास जो एसोसिएट का दिया हुआ था उसमें कोई एडजस्टमेंट तो थी नहीं, तो लॉस था 5,000, 6 महीने का लॉस हो गया 2,500। ये हमने इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त भी निकाला था, ये एसोसिएट कहाँ गया, ये वाला 2,500, ये वाला 2,500, ठीक है। तो इस 2,500 का 2,500 का 40% कितना होगा, 1,000 माइनस कर दें। इम्पेयरमेंट टोटल कितनी थी, पूरी की पूरी इम्पेयरमेंट में परसेंटेज नहीं लगाएंगे, चार हजार माइनस हो गया, तो ये हो गया 20। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हम रिपोर्ट करेंगे। अब इसकी गुडविल आप लोग ट्राई करें और फिर अगर उस गुडविल में कोई मसला है, इसमें से प्रॉफिट लेस होगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसमें से, एसोसिएट में से जी, वो तो उस वक्त होगा जब एसोसिएट टू पेरेंट या पेरेंट टू एसोसिएट कोई ट्रांजेक्शन होगी। हमारे सवाल में ट्रांजेक्शन सब्सिडरी टू पेरेंट हो रही थी, एसोसिएट वाली ट्रांजेक्शन नहीं थी हमारे पास। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल है December 13 का, उसके अंदर जो है वो कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन आई है, डेफर्ड कंसिडरेशन वाली जो एडजस्टमेंट है, शेयर एक्सचेंज है, और उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट भी बनाना है और उसके अंदर बैलेंस शीट भी बनानी है और IFRS 9 की भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो मैं अब इसको यहाँ से बाईपास करके थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की, फिर हम उसके साथ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कंबाइन देखेंगे। कंसोलिडेटेड SFP जब हम बनाएंगे तो उस कंसोलिडेटेड SFP के अंदर हमें पहली चीज़ जो देखनी है वो देखनी है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सवाल में नहीं दी हुई होती, ये अभी हम ऊपर से देखते हुए आएँ। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो वर्किंग वो हमसे करवाता है उसके अंदर शेयर एक्सचेंज की वर्किंग करवाता है, क्योंकि नॉर्मली पेपर में आती है, MCQs में भी आ सकती है। लोन नोट इशू कर दिया हमने एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, वो हो सकता है। तीसरी हो सकती है डेफर्ड कंसिडरेशन, चौथी हो सकती है कंटिजेंट कंसिडरेशन। इट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया ना, और इसके साथ हो सकती है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सब्सिडी को एक्वायर करने में अगर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी उसको कैसे ट्रीट किया जाए। दूसरा मसला
फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन गिवन ना हो तो कैसे निकालते हैं, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। तीसरा मसला, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। अब इसके अंदर जो टिपिकल एडजस्टमेंट आती है ना, वो पीपी की अपलिफ्ट आती है, लेकिन इसके अंदर टेंजिबल एसेट की भी फेयर वैल्यूएशन हो सकती है, जो पीपी हमारे पास आता है। इसके अंदर इंटेंजिबल भी आ सकता है, जैसे हमने डोमेन नेम की ट्रांजेक्शन की। इसके अंदर इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नेम, टाइटल्स, ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। इसके अंदर जो है वो आपकी इन्वेंट्री भी हो सकती है। कोई भी एडजस्टमेंट वो डाल सकता है कि ये एडजस्टमेंट ठीक नहीं। इसके अंदर डेफर टैक्स भी आ सकता है, यानी कि लाइबिलिटी में भी एडजस्टमेंट हो सकती है। इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी हो सकती है। वो आप जब प्रैक्टिस करें ना, या देखनी हो तो कोई भी सवाल अगर पूरा ना भी करना हो तो उसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट चेक कर ली जाए कि वो टेंजिबल से रिलेटेड है, इनटेंजिबल है। डिफरेंट सवाल आइडेंटिफाई किया जाए कि किसी सवाल में कोई इन्वेंट्री वाली एडजस्टमेंट तो नहीं आई, किसी सवाल में कोई डेफर टैक्स की एडजस्टमेंट तो नहीं है, कहीं कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तो नहीं है, ताकि उसका डिफरेंस नज़र आया जाए, फर्क समझा जाए। अब इसके अंदर अपलिफ्ट भी हो सकती है और डिक्लाइन भी हो सकता है। अक्सर सवालों में अपलिफ्ट नज़र आता है, डिक्लाइन नज़र नहीं आ रहा है। तीसरा मसला। चौथा मसला, बैलेंस शीट के अंदर जो आपके पास आता है वो आता है एडजस्टमेंट्स। वो एडजस्टमेंट कुछ हमने अभी ट्राई किए हैं इनकम स्टेटमेंट में, नेमली पहली जो मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट है, इंट्रा ग्रुप सेल ऑफ एसेट, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग इन गुड्स। इसको अच्छी तरीके से मार्कअप मार्जिन वाली एडजस्टमेंट, ये अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद आती है इंट्रा ग्रुप ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, ये एडजस्टमेंट अभी तक हमने नहीं देखी किसी सवाल में। इसके बाद इंट्रा ग्रुप लोन, कैंसिलिंग आइटम होता है। उसके साथ इसके अंदर एक एडजस्टमेंट होती है आपकी इम्पेयरमेंट की। इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, जो कि कैंसिलिंग आइटम होते हैं, ये भी टफ एडजस्टमेंट होती है। इसके अंदर कैश इन ट्रांसिट बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम में डालता है, बाज़ दफ़ा गुड्स इन ट्रांसिट दे देता है। उसके बाद ये मेजॉरिटी एडजस्टमेंट इसके अंदर आती है। उसके बाद हाउ टू डील विद एसोसिएट, ट्रेडिंग विद एसोसिएट, उसको देखना। फिर नेक्स्ट मसला जो हमारे लिए होता है, हाउ टू कैलकुलेट कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग इंक्लूडिंग सब्सिडरी एंड पेरेंट मिलाकर। और फिर फाइनली हमारे पास मसला होता है बैलेंस शीट के अंदर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। अब एक पूरे सवाल में ऑब्वियसली सारी चीज़ें तो नहीं होंगी, लेकिन एमसीक्यूज़ में वो किसी भी एक पॉइंट को उठा के एमसीक्यूज़ बना सकता है। वो दोनों कंपनी के प्लांट दे दे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डाल दे और कहे कि जी कंसोलिडेटेड प्लांट की वैल्यू बताएं, कैरिंग अमाउंट कितना जाएगा। वो इसके अंदर रिवैल्यूएशन डाल सकता है, उसके अंदर और मसाइल क्रिएट कर सकता है। पास्ट पेपर्स भरे पड़े हैं सारी एडजस्टमेंट के साथ, तो जितने ज़्यादा पास्ट पेपर होंगे उतने ही इसके मसाइल हमारे सामने आएंगे और हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इसको हल कर सकें। अच्छा, अब जब कभी, अब तो नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है एग्जामिनर की कि वो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट साथ पूछें, लेकिन पास्ट पेपर में उसने बहुत पूछे हैं बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट एक साथ। तो जब दोनों एक साथ आते हैं तो उसके अंदर एक आसानी ये हो जाती है कि सवाल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि सवाल 20 नंबर का जो आएगा वो बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है। अच्छा, पास पेपर में जो सवाल होते हैं नॉर्मली वो 25 मार्क्स वाले सवाल होते हैं, तो अगर पास पेपर से कोई सवाल करना है तो वो आप उसी प्रैक्टिस पे जाएंगे, और एग्ज़ाम में जो किट में सवाल हैं वो उन्होंने उसी सवालात को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 20 नंबर के ऊपर बनाया हुआ।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस करने के लिए पास पेपर के सवाल बहुत अच्छे हैं। जैसे ये एक सवाल है पास पेपर का, कंबाइन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, और इसका ईयर है हमारे पास दिसंबर 2013। इसमें कुछ नई चीज़ें देखनी है हमें, कोई नई चीज़ आती है तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा, क्योंकि हर सवाल में कुछ ना कुछ नया होगा। तो देखते हैं इसके अंदर क्या नया आया है। सो सबसे पहले तो हम चलते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, 14 मार्क्स का पीएनएल, 11 मार्क्स की बैलेंस शीट। डेट है 30 सितंबर 2013। देखिए फिर मिड ईयर एक्विजिशन, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट हो और मिड ईयर ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। अप्रैल और सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने की अकाउंटिंग। पॉलिस्टर एक्वायर्ड 75% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ साउथ स्टार, 25% इसमें एनसीआई है, एसोसिएट लग रहा है सवाल के अंदर नहीं है। साउथ स्टार हैड बीन एक्सपीरियंस डिफिकल्ट ट्रेडिंग कंडीशन इन मेकिंग सिग्निफिकेंट लॉसेस, इन अलाउिंग फॉर डिफिकल्टीज पॉलिस्टर मेड एन इमीडिएट कैश पेमेंट ऑफ 1.50 पर शेयर। डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं है, ये कैश पेमेंट है। इन एडिशन विल पे अ फर्दर अमाउंट इन कैश ऑन 30 सितंबर 2014। तो अप्रैल 2013 में एक्वायर करने के बाद 30 सितंबर 2014 में पे करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तकरीबन कितना पीरियड बन रहा है, डेढ़ साल बन रहा है। इफ़ साउथ स्टार रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी बाय दैट डेट, अब ये डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं है, इसके साथ इसने कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या है, अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हुई तो देंगे, वरना नहीं देंगे। और वैल्यू इसकी हमने कैलकुलेट की एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वॉज 1.8 मिलियन, लेकिन ईयर एंड के ऊपर उसकी वैल्यूएशन हो गई 1.5 मिलियन। कंटिजेंट कंसिडरेशन हमने रिकॉर्ड नहीं की। ओवरऑल द डायरेक्टर्स एक्सपेक्ट द एक्विजिशन टू बी अ बार्गेन परचेज लीडिंग टू अ नेगेटिव गुडविल। डायरेक्टर कह रहे हैं कि नेगेटिव गुडविल आने के चांसेस हैं, हो सकता है इस सवाल में हमारे पास नेगेटिव गुडविल आ जाए। अब एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि ये जो कॉन्टिजेंट कंसिड्रेशन है, क्या ये लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड है ना। अगर सवाल में लिखा हुआ हो कि लाइकलीहुड नहीं है कि प्रॉफिट में आएगी कंपनी, तो क्या हमें लेनी चाहिए वैल्यू या छोड़ देनी चाहिए। लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आईएस क्या कहता है, या उसकी प्रोबेबिलिटी पे देखा जाए, 51% पे जाया जाए, क्या किया जाए। और अगर लिया जाए तो इसने दो वैल्यूज दी हुई हैं, तो ओरिजिनल एस्टीमेशन पे ली जाए 1.50 के ऊपर, या सॉरी ओरिजिनल वैल्यू 1.8 मिलियन ली जाए या 1.5 मिलियन ली जाए। 1.8 लेनी चाहिए, तो ये 1.8 उसने पीवी कैलकुलेट करके दी हुई है, तो इसकी डिस्काउंटिंग होगी या नहीं होगी। 1.8 देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, जो कॉन्सेप्ट है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो कंसीडर करनी है वो ये कंसीडर करनी है कि जो कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन होती है ना, वो आपको लेनी है जरूर, चाहे उसकी प्रोबेबिलिटी हो या उसकी प्रोबेबिलिटी ना हो, लेनी है, लाजमी लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन हमें दी हुई है, तो एक तो कैश कंसीडरेशन दी हुई है, कैश कंसीडरेशन कितनी, कैश कंसीडरेशन है, निकालें कैश कंसीडरेशन कितनी, कैश कितना दिया इसने, 75% शेयर इसने एक्वायर किए हैं, 1.50 का कैश दिया। शेयर्स हैं कितने इसके पास, शेयर्स हैं इसके पास 6000
6000 डिवाइडेड बाय 0.5, 12000। 12000 इसने शेयर्स हैं इसके पास, इसने 75% खरीदे हैं और इसने पे किए हैं 1.50 ईच। ये आंसर निकल 13500। अच्छा जी ये आ गया 13500। देखो दोबारा शेयर देखें, नंबर ऑफ शेयर सही लिए मैंने जी सर, ठीक है। और 1.50 पर शेयर हमने इसकी वैल्यूएशन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन आ गई, जब ओरिजिनल रूल पे हम जाएंगे आईएएस के, तो आईएएस कहता है कि अगर आपने कंटिजेंट कंसिडरेशन इस्टेब्लिश की और वो ओरिजिनल कंटिजेंट कंसिडरेशन आ गई 1.8 मिलियन, लेकिन बाद में वो हो गई 1.5 मिलियन, तो अगर आपने ओरिजिनल असेस सही कर ली थी, अगर आपकी ओरिजिनल असेसमेंट ठीक है, तो आप ओरिजिनल असेसमेंट के ऊपर जाएंगे, सब्सिक्वेंटली उसको अपडेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी ओरिजिनल असेसमेंट उस वक्त सही नहीं थी, तो बाद में आप उसका इम्पैक्ट जो है वो गुडविल वगैरह के ऊपर डाल सकते हैं। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो कैश कंसिडरेशन आ गई उसके हिसाब से हमने 1.8 मिलियन और बाद में 1.5 मिलियन, हमने 1.8 मिलियन कितना बनता है 1.8 मिलियन 1800 ऐड कर, ठीक है। मैंने वो दूसरा क्यों नहीं लिया 1.5 मिलियन, क्योंकि ये तो है ही ऑलरेडी एस्टीमेट, तो ये हर टाइम के बाद चेंज होता रहेगा, तो हमारी गुडविल अफेक्ट नहीं होगी। हाँ, अगर बाद में एट द एंड टाइम गुजरने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जाए कि जी ये तो देनी नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली फिर आपको अपनी गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो यूजुअली आज तक कभी नहीं आई एग्जाम के अंदर। तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई कैश कंसिडरेशन की। उसके बाद उसने कहा कि शेयर्स की वैल्यू ये थी, एनसीआई कहीं नज़र आ रहा है, एनसीआई नहीं नज़र आ रहा, नीचे एडजस्टमेंट में चलते। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू वर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट विद द एक्सेप्शन ऑफ अ लीज्ड प्रॉपर्टी, फेयर वैल्यू 2 मिलियन अबव कैरिंग अमाउंट थी, रिमेनिंग लाइफ थी 10 साल, ऑल डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये तो नॉर्मल सी एडजस्टमेंट है। उसके बाद पी ने रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र किया 4 मिलियन का, उसने ये सारा रॉ मटेरियल प्रोसेस किया 1.4 मिलियन लगा के और पी को दोबारा भेज दिया इन अगस्त 2013 में। सेप्टेम्बर 13 में पी ने 1.5 मिलियन ये इन्वेंट्री रखी हुई है, देर आर नो इंट्रा ग्रुप सेल्स। तो जो इंट्रा ग्रुप सेल्स हैं वो उसमें कोई प्रॉफिट अलाउड नहीं है। अब ओरिजिनल जो कॉस्ट थी वो 4 मिलियन की थी और एडिशनल कॉस्ट लगी कितनी 1.4 मिलियन की, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट हो गई वो हो गई 5.4 मिलियन और उसने उसको 9 मिलियन में बेच दिया। तो हमें 5.4 और 9 मिलियन से प्रॉफिट असेस करना है कितना लगा, और अब स्टॉक के अंदर 1.5 रखा हुआ है, ये इंट्रा ग्रुप में उसने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ प्रॉफिट मार्कअप मार्जिन आइडेंटिफाई करना है और 1.5 मिलियन पे लगा देना। नेक्स्ट, पोलस्टर हैज रिकॉर्डेड इट्स इन्वेस्टमेंट इन साउथ स्टार एट द कॉस्ट ऑफ इमीडिएट कैश पेमेंट, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कैश पेमेंट पे रिकॉर्ड की हुई है। अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर कैरिड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एट 1 अक्टूबर 2012। इन अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट The fair value have fallen by 200,000 during 30th September 2013. इसके पास 2 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है ना पेरेंट के पास, उसमें 2 लाख का फॉल आया,
इन्वेस्टमेंट के अंदर, इसका क्या करें? 2 लाख का जो फॉल आया ये कहाँ जाएगा? अच्छा, फाइनेंशियल एसेट्स की जब हम अकाउंटिंग कर रहे थे तो फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी किस्म का कोई गेन और लॉस आता है तो वो कहाँ जाता है? वो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या फिर वो OCI के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर जो चेंजेस आ रही हैं वो आ रही हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, कुछ मेंशन नहीं है, पुराना सवाल है, कुछ मेंशन नहीं है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, शेयर्स लिखे हुए हैं, तो 2 लाख का आप इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डाल सकते हैं। जब इसने इसको मॉडिफाई किया होगा तो इसने लिख दिया होगा कि ये इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है या ये इन्वेस्टमेंट जो है वो OCI वाली इन्वेस्टमेंट है। कहाँ जाना चाहिए? तो ऊपर देखें, पेरेंट की रिटेन अर्निंग जो दी हुई है वो दी हुई है 28,500। फाइनेंशियल एसेट कितने दिए हुए? फाइनेंशियल एसेट दिए हुए हैं 16,000 का। और वो नीचे कह रहा है कि दी कैश इन्वेस्टमेंट डाली हुई है उसने, और अदर इन्वेस्टमेंट जो डाली हुई है वो अदर इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यूएशन यहाँ पर हमारे सामने शो नहीं हो रही कि कितनी अदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। अच्छा जी, तो इसमें बताएं क्या करना चाहिए? 2 लाख का जो लॉस आया है अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, उसको क्या करूं, क्या एंट्री पास करूं उसको? 2 लाख ये पास कर दूं? मैं ये एज्यूम करके पास कर रहा हूं कि ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग आइटम है, ये पेरेंट की बुक्स में हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट जाएगा अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस पर भी इम्पैक्ट जाएगा, और बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसका इम्पैक्ट जाएगा रिटेन अर्निंग के में। IFRS 9 की एडजस्टमेंट लॉस। आगे बढ़े, NCI नहीं दिया हुआ, NCI को रिपोर्ट करना है फेयर वैल्यू पे, ये हम तीसरी मर्तबा देख रहे हैं ये एडजस्टमेंट। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान में रखिएगा कि ये जो एडजस्टमेंट हो रही है ना 1 अक्टूबर 2012 के ऊपर, इसने इसको फेयर वैल्यू थ्रू लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं, अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट ये मेंशन किया हुआ है इसमें, तो वो अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं। कौन सी कैटेगरी? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैटेगरी। और अगले साल में ये 2 लाख से इसकी वैल्यू जो है वो गिर गई, ये हम यहाँ से इसको असेस कर लेंगे क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए। उसके बाद NCI निकल आएगा, ऑल आइटम्स आर डीम्ड टू अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर, ये नॉर्मल सी बात है। अब ये एडजस्टमेंट आ गई हमारे पास, पहली एडजस्टमेंट थी कंटिजेंट कंसिडरेशन की, वो देख ली हमने, दूसरी एडजस्टमेंट थी हमारे पास फाइनेंशियल एसेट की, एक एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन, निकालें कितना होगा, डेप्रिसिएशन वर्कआउट करें, डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो लीज्ड एसेट हमारे पास कितना है, लीज एसेट की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने से बढ़ी थी, 2 मिलियन से, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 10 साल उसकी लाइफ है। डेप्रिसिएशन पर एनम कितना होगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 600, सो डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ जाएगा, ये जाएगा COGS में, और ये जाएगा
एनसीआई में, एनसीआई में कितना जाएगा, कितना परसेंट होल्डिंग है हमारी? एनसीआई की हमारी होल्डिंग थी आई गेस, हमारी एनसीआई की होल्डिंग थी 25%, 25 ये हम एनसीआई में डालेंगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एनसीआई, वहाँ पर 25 यहाँ पे चला जाएगा। अच्छा जी, इंट्रा ग्रुप भी देख लेते हैं, इंट्रा ग्रुप की भी एडजस्टमेंट करके इसको कंक्लूड करते हैं। तो इंट्रा ग्रुप में देखें कि आपके पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालते हैं कितना आ रहा है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, पीछे आ जाते हैं। 4000 की वैल्यू थी ना पहले, 4 मिलियन, एडिशनल लगा 1.4 मिलियन, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 4000, एक्सपेंस लगा 1400, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 5400। ये थी कॉस्ट दोनों ने मिलके जो भी लगाई, उसके बाद उसको इसको बेच दी 9000 की, कितना प्रॉफिट आया 3600। अब इसमें एक आइडियल तरीका ये है, इस 3600 के ऊपर मार्जिन कैलकुलेट कर लिया था, 3600 के ऊपर अगर हम मार्जिन कैलकुलेट करना चाहें तो प्रॉफिट बनता है 3600, प्रॉफिट ओवर सेल्स करते हैं तो मार्जिन आता है, मार्जिन निकालें कितना इसका, फोर्टी परसेंट, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। स्टॉक में कितनी वैल्यू रखी हुई है इन हैंड, इन हैंड वैल्यू कितनी रखी हुई है, इन हैंड वैल्यू हमारे पास रखी हुई है 1500 की, तो इन हैंड वैल्यू 1500 की है, इस 1500 पे लगाएं 40%, 600 आ गया पीयूपी या पीयूआरपी। सेलर कौन है, सब्सिडियरी, ये प्रॉफिट किसने बुक किया, दोबारा देखें, पी ने ट्रांसफर किया था उसको, उसने ऑल द प्रोसेस किया और उसको पोलस्टर को भेज दिया, और उसके बाद 9 मिलियन का, तो 9 मिलियन का उसने बेचा है उसको, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत एनसीआई की इन्वॉल्वमेंट आनी चाहिए। जब हम बैलेंस शीट में एनसीआई निकालेंगे और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एनसीआई निकालेंगे तो इसके अंदर एनसीआई की इन्वॉल्वमेंट आनी चाहिए, ठीक है? ओके, क्योंकि सेलर जो है वो सब्सिडरी है। अच्छा, अब इसके अंदर करना क्या है, एडजस्टमेंट मैंने सारी करवा दी, तो आप इसको समझे होमवर्क और इसका पीएनएल बनाने की कोशिश करें, पीएनएल बनाना है, सारी एडजस्टमेंट हमारी हुई हुई है और इसकी बैलेंस शीट पूरी करनी है, और इसमें बैलेंस शीट में 2-3 मसले हैं, उसके साथ इसकी बैलेंस शीट बनानी है, फिर कोई मसला आएगा तो हम नेक्स्ट सेटिंग के अंदर इसको डिस्कस करेंगे और फिर बैलेंस शीट के कुछ नए मसले डिस्कस करेंगे।